ए, तुम लोग का प्रीवियस क्लास में कुछ होमवर्क दिए थे? वो तो हो गया होगा, 10-15 तो था। अगर तुमने 120 से 105 कर लिया तो 15 तो क्या ही दिक्कत, क्या यही हुआ होगा। अब मेरा बात सुनो, आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करेंगे उस चैप्टर का नाम देख लो क्या है। प्रोडक्शन। अब तुम लोग को प्रोडक्शन का मतलब जानने का कोई कुछ इच्छा है? प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? क्या बनाना? सामान बनाना, गुड बनाना, यही तो। देख कुछ हद तक ये करेक्ट डेफिनेशन है, कुछ हद तक। लेकिन इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन का डेफिनेशन थोड़ा अलग है, थोड़ा चीन पाड़ कर दिया ये लोग। वही चीज पड़ा चीज हम लोग भी देख लेते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर लगाओ। चलो चल आ जाओ, लोग बादाम का फैक्ट्री खोलेगा। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बादाम, तो जो जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है उसका खेती करो, काजू बादाम उसका खेती करो। अगर तुम लोग के पास ज्यादा जगह है तो चंदन उगाओ, चंदन, लाल चंदन उगाओ, पुष्पा, आई हेट टियर। एक मिनट रुको, फ्रॉम फ्रॉम लिखे, यहाँ फॉर्म हो। ये डेफिनेशन तो एकदम बेसिक वाला है, ये तो तुम लोगों को पता ही होगा क्या ही बोलते हैं प्रोडक्शन का मतलब। एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में कन्वर्जन जिसे करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन बोलते हैं। करेक्ट। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चेंज। आपको प्रोडक्ट का स्टेट में क्या करना पड़ेगा? अब चेंज जो होता है वो बहुत टाइप का होता है। जो चेंज जो होता है, चेंज जो लाया जाता है, तो चेंज बहुत टाइप का होता है। अब तुम लोग बोलेगा कैसे से इतना ज्यादा टाइप का चेंज होता है? देखो चेंज अगर तुम लोग देखेगा, तुम लोग ये पढ़ा है बीएचटी में, या जिसका कॉमर्स या कुछ और एक तो सब्जेक्ट होता है ना, कॉमर्स हाँ वही तो, कॉमर्स जो होता है या बीएसटी जो होता है उसमें तुम लोग ये पढ़ा होगा। चेंज जो होता है वो वेरियस टाइप्स के होते हैं। तुम लोग बोले हाँ ऐसा होता है, यस। सबसे पहले मैं चेंज के बारे में थोड़ा लिखाता हूँ। ये प्रोडक्शन के डेफिनेशन के अंदर ही चेंज के बारे में बात कर रहे हैं, चेंज ऑफ स्टेट। अब जो चेंज आता है ना इकोनॉमिक्स में, हम लोग जो चेंज के बारे में पढ़ते हैं वो करीब करीब तीन टाइप के चेंजेस होते हैं। और भी ज्यादा होता है लेकिन मैं तीन में ही अपने आप को रोक दूंगा। तुम लोग बोले क्या क्या सर, कोई बता सकता है क्या क्या होता है चेंज? कुछ आइडिया है थोड़ा मोटा चेंज वेंज का? अरे हाँ सर, पैसा का चेंज, स्टॉक का चेंज है क्या? वो वाला चेंज नहीं। यहाँ पे प्रोडक्शन में कभी कभी क्या होता है, क्वालिटेटिव चेंज आता है। क्या आता है? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव चेंज। एक होता है क्वांटिटेटिव चेंज, और एक होता है स्पेशल टाइप का चेंज। देखो ये वाला, अब तुम लोग मेरे को बता सकते हैं क्वांटिटेटिव चेंज से हम शुरू करते हैं। एक क्वांटिटेटिव चेंज का मतलब पता है क्या होता है? जिसमें प्रोडक्शन के बाद क्वांटिटी में क्या आता है, चेंज आ जाता है। आइदर क्वांटिटी बढ़ जाता है या कम हो जाता है। अब बताओ कोई एक तो एग्जांपल बता सकता है जिसमें क्वांटिटी में या वॉल्यूम में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है? सोच के बता सकता है? हमको पता था ये राइस बोलेगा।
अब देखो राइस में जो चेंज आता है वो चेंज तब तक प्रोडक्शन नहीं बोला जाएगा, चावल से ये राइस के बारे में बात कर रहे हैं, करेक्ट? तो तुम्हारे पास चावल है, तुम उससे भात बना लेना, ठीक? तो अब कुक राइस जब तुम बना रहा है, वो अगर खुद के कंजम्पशन के लिए यूज़ किया जाता है तो उसे प्रोडक्शन नहीं बोला। प्रोडक्शन के लिए क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी सोल्ड इन द मार्केट, बिक्री होना चाहिए, पैसा आना चाहिए। अगर हाँ बस तब बोल सकते थे प्रोडक्शन, समझ में आ रहा है? या इसका सबसे एकदम ऑथेंटिक एग्जांपल जो होता है ये बोल सकता हूँ, क्रॉप्स। क्रॉप्स पता है, एक थोड़ा सा तुम गमला वमला में लेके जाता होगा सीड, और बस्ता वस्ता भर के तुम लोग क्रॉप्स उगा के लेके आते हैं, ये सुनो। ये तो होता है ना भाई, तुम थोड़ा सा सीड लेके जाता है, पूरा खेत में छिदरा देता है, उसका सब्जी एकदम ट्रक भर करके निकालता है, ये सुनो। ऐसे ही होता है, तो ऐसे ही करता है ना, एक मुट्ठी सीड डाला, कितना सारा अपना पेड़ पेड़ हो गया, पौधा हो गया, कितना सारा सब्जी खुल गया, फूल खिल गया। ये क्या बताता है? एक मुट्ठी से इतना सामान बन गया कि वो हाथ में गैदर नहीं हो पा, करेक्ट? ये क्या बताता है सर? ये क्वांटिटेटिव चेंज बताता है। क्या बताता है? क्वांटिटेटिव चेंज। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? एग्रीकल्चर। यही तो, एग्रीकल्चर में ये चेंज होता है। तो जैसे सीड्स टू क्रॉप्स, ठीक है? ये तो बचपन वाला चीज है, तुम लोग को पता ही होगा। इसमें जनरली क्या होता है? वॉल्यूम में इजाफा हो जाता है। क्या होता है? वॉल्यूम में इजाफा हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम जब बढ़ता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव चेंज। ऑन द अदर हैंड क्वालिटेटिव चेंज भी होता है। क्वालिटेटिव चेंज का मतलब क्या होता है सर? क्वालिटेटिव चेंज का मतलब होता है जिसमें क्वालिटी में चेंज आ जाता है। इसमें चेंज आ जाता है क्वालिटी में। अब तुम ये देखो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चले जाओ, यू कैन सी देयर आर वेरियस प्रोडक्ट दैट हैड बीन कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स, और उसमें क्या होता है, टोटलिटी पे क्वालिटी बदल जाता है। सुनो, लोगों का जो क्वालिटी होता है वो क्वालिटी बदल जाता है। अब तुम लोग बोलेगा सर एग्जाम्पल बताओ। कभी ये नाम सुना है? हाँ आयरन और क्या होता है? आयरन एक्सट्रैक्ट। आयरन और अगर साधारण भाषा में पूछा जाए, और डू मीन बाय आयरन और? देख, रॉ फॉर्म वॉ फॉर्म नहीं होता, हम तुमको बताएं आयरन और इज वॉट। ये एक टाइप का रॉक होता है जिसमें आयरन का क्वांटिटी को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, यही तो है ना। आयरन और मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा टाइप का रॉक है जिसमें क्या होता है, आयरन का अवेलेबिलिटी ज्यादा होता है, यही तो। हम लोग के यहाँ पे भी जो मट्टी वट्टी मिलता है उसमें क्या आयरन की अवेलेबिलिटी है? कुछ नहीं है, वहाँ खाली एक ही चीज मिलेगा, कोरोना, गंदगी, प्लास्टिक। हम लोग इतना बड़ा पापी आदमी है, क्या ही बताए। इतना अच्छा, इतना खूबसूरत पृथ्वी भगवान ने बना के दिया था, बर्बाद करके रख दिया। सुनो, तुम लोग का भी योगदान है, मेरा भी योगदान है, हमने कोई कुछ ऐसा कोई तीर नहीं मार लिया, ठीक कि नहीं? अब मेरा बात सुनो, ये आयरन ओर से जब स्टील बनता है, जानता है? तो आयरन ओर से स्टील बनता है। अरे सर, ये तो बहुत बड़ा 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 प्रोसेस बता दूंगा। आयरन ओर से स्टील बनता है, पता है तुम लोग कैसे बनता है? पहले आयरन ओर से आयरन निकलता है, फिर आयरन में बहुत सारा अलॉय यूज करके हम लोग क्या बना देते हैं, स्टील बना लेते हैं, करेक्ट? अब ये जो स्टील बन के आता है, तो ये इसमें क्या चेंज आ रहा है? क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, क्वालिटी बदल जा रहा है। पहले जो आयरन था जिसमें रस्ट लगता था, अब वो स्टील बन चुका है, यही तो। अब वो स्टील बन चुका, अब उसमें रस्ट नहीं लगेगा, ना ही उसमें डस्ट लगेगा, पूरा एकदम चमकेगा, यही तो। तुम लोग कभी आयरन मत बनना, स्टील बनना, स्टील मन में एकदम चमकते रहे। ये अलावा समझ में आया है? इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो भी प्रोडक्शन होता है ना, वो इसी टाइप का होता है, इसमें क्वालिटी में ही सीधे तौर पर चेंज कर दिया जाता है। क्या बदलता है? क्वालिटी बदल देता है। मतलब पहले किसी और काम के लिए यूज होता था, प्रोडक्शन के बाद किसी और काम के लिए जा रहा है, समझ में आ रहा है? अब इधर आते हैं स्पेशल चेंज। अगर स्पेशल चेंज के बारे में बात किया जाए, तो ये एक टाइप का ना, तुम्हारा जो यूटिलिटी का चैप्टर पढ़ा था बीएसटी में, होता था प्लेस यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, फलाना यूटिलिटी, ढिमकाना यूटिलिटी, वही वाला यूटिलिटी यहाँ पे बात। सेंटर कभी नहीं पढ़ा? बीच वाला, सेंटर वाला। वाला वाह नाइस।
तो हाँ जिंदगी में अब क्या ही बताएं, पढ़ाई लिखाई कम है। स्पेशल, इसका नाम है स्पेशल चेयर, जिसमें हम लोग बात करते हैं प्लेस यूटिलिटी का। इसका प्लेस यूटिलिटी। दूसरा आता है फॉर्म यूटिलिटी। तीसरा आता है आपका टाइम यूटिलिटी। इसके अलावा और भी आता है, अभी हम थोड़ा, हाँ अच्छा इतना ही डिस्कस करते हैं। प्लेस यूटिलिटी का मतलब पता है क्या होता है? प्लेस यूटिलिटी मतलब चीज ऑलरेडी तैयार किया हुआ है। क्या है? चीज ऑलरेडी तैयार किया हुआ है, लेकिन उसका हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ प्लेस में चेंज कर देते हैं। एज ए रिजल्ट वो क्या हो जाता है, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज बन जाता है। तो मतलब हाँ ऐसा राजस्थान गया, हम भी नहीं गए, पर कोई दिक्कत नहीं, टीवी में तो देखे ही है। क्या दिखता है राजस्थान में बताओ, बताओ राजस्थान में क्या दिखता है? रेत। यही तो रेत है तो। के अबे फेमस तो उसी लिए है, बाकी तुम लोग समझ लो वहाँ बहुत कुछ और भी अच्छा अच्छा चीज है भाई। हाँ राजस्थान का आधा हिस्सा वही खरीद के रखा है। हाँ चलिए सुन मेरा बात, अब मेरा बात सुनो। राजस्थान गया होगा, राजस्थान में रेत पड़ा हुआ है, वहां पर उसका कोई यूज है? वही वाला है रेत, लॉरी में उठा के दिल्ली में छोड़ दो, बताओ क्या बिक्री होता है? ये भी बिक्री होगा कि नहीं? यस और नो, बात समझ में आ रही है? क्या किया? प्लेस यूटिलिटी क्रिएट किया, एक जगह से दूसरे जगह लेके आ गया, जहां इसका दरकार नहीं है वहां से उठा के दरकार वाला पोजिशन पे लाके रख दिया, खूब बिक्री हो रहा है। करेक्ट है? तो अब सोच के देखो, इसका और एक तरीका बता सकते हो तुम लोगों को। आयरन स्टील फैक्ट्री कहाँ पे लगा हुआ, मैंने यहाँ पे बंगाल में, कहाँ पे? टिस्को में है। टिस्को किधर है? तो बर्नपुर है, दुर्गापुर है, वहीं पे तो है। अब तुम वहां पे देखो, अच्छे से देखो, वो लोग सामान के वहां बिक जाता है, उसको लाना पड़ता है ना मार्केट तक, लाना पड़ता है। कहाँ लाता है वो लोग? गाड़ी को चढ़ाता है, 22 चक्का 10 चक्का गाड़ी में भर भर के लेके चला जाता है। किधर लेके आता है? कोलकाता में, कोलकाता का मार्केट में उसे बिक्री होता है। ये तो सामने सामने जितना भी मशीनरी इंडस्ट्री है वहां पे वो स्टील पहुंच जाता है। कैसे? किसके थ्रू जाता है? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। अगर वही लोहा उसका फैक्ट्री में पड़ा रहा है तो उसका कोई यूज है? लेकिन वही लोहा को उस जगह से बदल के किसी और जगह में लेके चले गए तो हेवी यूज है। ये सर नॉट। और अगर समझना है तो ये भी देख लो, हिमाचल प्रदेश जानता है? नहीं भी जानता तो कोई दिक्कत नहीं है, टीवी में देखा ही हो। तो हिमाचल प्रदेश में जनरली क्या, वो किस लिए फेमस है? पानी के लिए। हिमाचल प्रदेश में पानी कहाँ से आता है भाई? पहाड़। ओ ठीक है, मेरे को लगता है सेब है, हिमाचल प्रदेश में सेब होगी, कश्मीर बता दो। उसके नीचे थे हिमाचल प्रदेश, कश्मीर में जमेगा ही नहीं, कश्मीर में कैसे बनेगा, तुम सोच के बताओ। कौन सा? हम तो गाए नहीं है तो देखे नहीं, बस सुने हैं तो हम बता दिए। अब बात सुनो, हम लोग कहाँ पहुंचे अभी? हिमाचल प्रदेश। वहां पे क्या है? सेब, बहुत सारा सेब, वहां पे सेब का खेती होता है। अब सोच के बताओ, हिमाचल प्रदेश का पॉपुलेशन वो सेब खत्म कर पाएगा? हिमाचल प्रदेश में जो सेब पड़ा हुआ है उसका पॉपुलेशन उसे खत्म कर पाएगा? नहीं। क्या करें सर, उसको ट्रक में भरिए, दिल्ली में छोड़ दीजिए, देखिए माल गायब। इवन जो माल तुम हिमाचल प्रदेश में 10 रुपया पीस बेचता है, दिल्ली में घुसते वो 30 रुपये हो जाते हैं। हाँ कि ना? अभी सेब का रेट थोड़ा कम चल रहा है, 120 रुपये या 60 रुपये किलो चल रहा है। आने तो पूजा का माहौल आना तो हर जगह 200 रुपये हो जाता है। माय गॉड, आदमी सेब खाता है कि हार्ट अटैक ना हो, दाम देख के पहले ही हार्ट अटैक हो जाए। क्या अवस्था है यार। यहाँ पे लिख सकता है, क्या लिख सकता है? मूवमेंट। बस हो गया इसका खिल्ला फतेह। मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, ये तो पता ही होगा। अभी
अभी एक एग्जांपल क्या था, एचपी से कहाँ गए थे, दिल्ली। एचपी का मतलब एचपी वाला डेल एचपी मत समझ लेना, हिमाचल प्रदेश से है। उसके बाद है फॉर्म यूटिलिटी। अब फॉर्म यूटिलिटी हम क्या ही बताएं बताओ, जिसमें हम तुम क्या करते हो, जनरली फॉर्म को बदल देते हो। तुम लोग बता सकते हो कोई ऐसा चीज है जिसका तुम फॉर्म बदल के उसे बहुत ज्यादा वैल्यूएबल बना सकता है, गोल्ड, सिर्फ फॉर्म बदलना। देखो गोल्ड, अरे गोल्ड का फॉर्म नहीं बदलते, बहुत तामस करेक्ट कि नहीं। गोल्ड 100 ग्राम गोल्ड मिल जाए, बाप रे बाप, काम छोड़ देगा इन सब 100 ग्राम गोल्ड में। अब मेरा बात सुनो, फॉर्म यूटिलिटीज अगर सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करो तो इसमें फॉर्म बदल देते हैं, लकड़ी लो। करेक्ट है, करेक्ट, सही बात है। पानी से, रुक जा, प्रोडक्शन पानी से बर्फ बनाया, बर्फ को पीस के गोला बना दिया, प्रोडक्शन ही तो हुआ। क्या हाँ अब मेरा बात सुन, दूसरा फर्नीचर बता, फर्नीचर कैसे बनता है, सीधा सी लकड़ी का क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, फॉर्म बदल देता है, शेप शूप काटता है, स्टाइलिश बना देता है, ले शेप दिया, हो गया। यही तो, ये क्या बदलता है इसमें, एक्चुअल में कुछ प्रोडक्शन होता है, क्वालिटी बदलता है, क्वांटिटी बदलता है, नहीं। उसका यूज हम लोग क्रिएट करते हैं बाई यूज, वाई बाई चेंजिंग देयर फॉर्म। फॉर्म बदलता है कैसे, शेपिंग वेपिंग कर लेते हैं, कलर टूल कर देते हैं, बस हो गया। यही अवस्था है, तुम बिल्कुल बर्फ माला भी बोल सकता है, पानी को जमा के बर्फ बना दिया, वही बर्फ को तुम मार्केट में सेल कर रहा है, कहाँ पे, मछली बाजार में। मछली बाजार में बर्फ का बहुत डिमांड है, और गर्मी में तो हर घर में डिमांड है। समझ में आ रहा है क्या बोले, तो फॉर्म यूटिलिटी कैसा होता है, यहाँ पे हम कुछ लिख नहीं रहे हैं, टाइम यूटिलिटी का मतलब पता है, टाइम यूटिलिटी जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का टाइम टाइम एकदम टाइमली अवेलेबिलिटी को जो हम लोग बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। सबसे अच्छा होता है टाइम यूटिलिटी किस प्रोडक्ट में हम लोग को अच्छे से समझ में आ सकता है, टाइम यूटिलिटी। मेडिसिन जब दरकार है तब अवेलेबल है, मैं गजब चीज है यार, सही कि नहीं। अभी सर दर्द हो रहा है, मेडिसिन अभी अवेलेबल हो गया, बहुत अच्छा, अगर नहीं मिला तो आदमी मर गया, फिर सवाल बोलता है कि नोटिफिकेशन आता है दवाई नहीं अवेलेबल, अरे आदमी मर गया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, तो टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एज मच देयर प्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड। जितना उसको बनाने में दरकार है, उसका अवेलेबिलिटी, टाइमली अवेलेबिलिटी भी उतना ही दरकार है। अगर टाइमली वो अवेलेबल ही ना हो पाया तो उसका दरकार ही क्या है, करेक्ट, बात समझ में आ रहे। तो इसमें तुमने मेडिसिन लिख सकते हैं, यहाँ फर्नीचर लिख दे, यहाँ पे फर्नीचर लिख दे, फर्नीचर, और यहाँ पे मेडिसिन लिख दे। देख मोट मोट तौर पे ये वाला बात समझ में आया, ये प्रोडक्शन में चेंज का मतलब क्या क्या होता है, ये सबको चेंज बोलते हैं, प्लेस को चेंज करा देता है, फॉर्म को चेंज कर देता है, समझ में आ रहा है, या उसका टाइम बदल देता है, ये सब चीज को हम लोग चेंज बोलते हैं। अब देखो ये वाला तो एक तो प्रोडक्शन का तुम लोग एक डेफिनेशन पढ़ा ऊपर में क्या लिखा था, चेंज ऑफ स्टेट, और दूसरा प्रोडक्शन का डेफिनेशन में ये इसका इंक्लूजन है, इसमें ये ऐड करो, प्रोडक्शन में ही ऐड हो, ये होता है प्रोडक्शन इज, इट इज, ऑल्सो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी विच इंक्लूड्स सर्विस। अब मेरे कोई बता सकते हैं व्हाट डू मीन बाय सर्विस, बताओ रे बताओ, सर्विस के बारे में किसी को पता है कुछ। सर्विस का मतलब सेवा करना, ऐसा नहीं बोल सकता, सर्विस का मतलब सेवा नहीं बोल सकता, मतलब एक टाइप होता है कि तुम्हारा जो क्या बोले, मतलब तुम्हारा जो कोर कॉम्पिटेंस है, बाय यूजिंग योर कोर कॉम्पिटेंस, योर नॉलेज, योर क्वालिफिकेशन, योर ट्रेनिंग, योर अर्निंग मनी, यस और नो। अगर तुम्हें सिंपल तरीके से देखेगा, व्हाई आर यू स्टडिंग राइट नाउ, सर वी आर स्टडिंग हियर, वी वांट टू गेट द डिग्री ऑफ सीए, वंस यू गेट द डिग्री ऑफ सीए, सीएमए, सीएस, व्हाट एवर द केस इज, तो यू कैन परफॉर्म योर ड्यूटी, यही तो, देन यू विल परफॉर्म योर ऑडिटिंग,
परफॉर्म योर इनकम टैक्स कैलकुलेशन, इनकम टैक्स फाइलिंग, रिप्रेजेंटेशन करेगा, या बहुत सारा काम है तुम लोग का जिंदगी में यार। वो सब काम जब तुम लोग करेगा तो उसके बदले में क्या लेगा? मनी, मनी भाई, यू नीड मनी भाई। अब जब ये मनी भाई आता है, जब तुम लोग ये सर्विस प्रोवाइड करता है, तो इसका मतलब क्या है? इट इज ऑल्सो द प्रोडक्शन। ये भी क्या है? ये भी एक टाइप का प्रोडक्शन। व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग अ टाइप ऑफ सर्विस टू समवन एंड इन एक्सचेंज ऑफ दैट यू आर अर्निंग मनी, इट इज नोन एज एन प्रोडक्शन एज वेल। समझ में आया? तो अपना दिमाग को ये समझा लेना, सिर्फ प्रोडक्शन का मतलब खाली कोई चीज बनाना नहीं होता, कोई सर्विस को भी बनाना क्या होता है? प्रोडक्शन ही कहलाता है। जैसे तुम लोग एक डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर के पास जाके कोई आदमी कोई ट्रीटमेंट ले रहा है, उसका सर फूट गया है, डॉक्टर के पास गया है, तो डॉक्टर क्या करेगा? सबसे पहले वही साफ सुथरा करके पट्टी वट्टी बांध देगा, सिलाई वलाई कर देगा, यही तो। ये क्या है? ये भी एक टाइप का प्रोडक्शन है। व्हाई? बिकॉज ही इज एडिंग क्रिएशन, ही इज एडिंग यूटिलिटी। उसका जिंदगी में क्या कर रहा है? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। उसका जो दरकार है, उस नीड को वो क्या कर रहा है? फुलफिल कर रहा है। किससे? उसके पास जो भी उसका क्वालिफिकेशन, नॉलेज, मॉलेज जो भी है, उसको यूज करके। और एक्सचेंज में क्या क्या ले रहा है? टाका, मनी। समझ में आया? अब इसमें और एक चीज होता है, तो ये सब चीज समझ में आ गई। और इसमें एक चीज ऐड करवा देता हूँ, वो भी लिख दो। सबसे बड़ा चीज जो है, इंटेंशन टू एक्सचेंज इन द मार्केट। इंटेंट, इन 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 टेंशन टू एक्सचेंज इन मार्केट। कुल मिला के बात क्या बोले, समझ में आया है? गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन उसको क्या क्या करने के लिए? मार्केट में बेचने के लिए। सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है तो किस लिए? उसे मार्केट में बेचने के लिए। ये आपका इंटेंशन होना चाहिए। अगर वो इंटेंशन नहीं है तो वो प्रोडक्शन भी नहीं है। बात समझ में आ रहा है? प्रोडक्शन के लिए एलिमेंट क्या है? कोई चीज को बनाना जितना जरूरी है, साथों साथ उसके उसका उसको यूज करके आपका अर्निंग उतना ही जरूरी है। अगर आप अर्निंग नहीं करते, देन इट कैन नॉट बी कंक्लूडेड एज एन व्हाट? प्रोडक्शन। खोपड़ी में आया पूरा चीज। अब घर में देखो, पप्पा भैया होते ही हैं, घर में सर्विस देता ही है तुम लोग को, पढ़ाते पढ़ाते कनपट्टी कभी गर्म कर देता, सवाल नहीं बनता, पटा लाज। ठीक, तो सवाल में 2 दूनी 4 के बदले 2 दूनी 5 लिख दिया, बस खत्म, बाकी रेस्ट इज हिस्ट्री हो जाता है। यही तो धुलाई अलग होता है। तो घर में पढ़ाता तो कभी कभी भैया, मम्मी पापा कोई भी पढ़ा देते, तो वो वाला जो सर्विस तुम्हारे मम्मी पापा तुमको दे रहे हैं, उसके बदले क्या वो अर्निंग कर रहे हैं? नो, दे वर नॉट अर्निंग एनी काइंड ऑफ थिंग, बट दे आर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज टू देयर सन चिल्ड्रेन। यही तो, उनके बच्चों को सर्विस दिया जा रहा है आउट ऑफ लव, अफेक्शन, एकदम प्यार में भर के दे रहा, तुमने उसका फायदा उठा रहा। लॉ का भाषा है। अब देखो, ये वाला चीज जब हो जाता है, तुम लोग यहाँ पे कोई अर्निंग हो रहा है, तो इससे अपना प्रोडक्शन नहीं बोलते। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, जब तुम्हारे भैया पापा मम्मी किसी और को पढ़ाने जाते हैं, कहीं इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, या कोई स्कूल में पढ़ाते हैं, या कॉलेज में पढ़ाते हैं, उसके अगेंस्ट में जब पैसा मिलता है, तो वो क्या हो जाता है? उसे हम लोग सर्विस बोल देते हैं, और उसे हम लोग प्रोडक्शन नहीं बोलते। बुझा सब कुछ बात? क्या है वही जो नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ गया है, घूम फिर के वहीं घूम रहा है। बोल 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 बोल। अब आ जाओ इसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 2 लिखेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 2 यहाँ तक देख लो एक बार, लिख लाख से और बात करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन का। सबसे पहले ये फंक्शन का मतलब पता है क्या होता है? प्रोडक्शन का तो मतलब समझ में आ गया। व्हाट डू मीन बाय प्रोडक्शन? प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए होता है? बहुत कुछ चाहिए होता है सर, प्रोडक्शन के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है, करेक्ट। तो अब वो सारा चीज़ तो हम लोग पढ़ेंगे, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, क्या क्या चीज़ का दरकार होता है, सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये बताओ, प्रोडक्शन करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ का दरकार पड़ता है? प्रोडक्शन देखो, इकोनॉमिक्स में ये माना जाता है, प्रोडक्शन के लिए आपको 4 चीज़ की आवश्यकता होती है जनरली, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये तो पढ़ा ही होगा तुम लोग, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही नाम है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? तो पढ़ क्या है, फैक्टर्स ऑफ डिमांड, इसे क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होती है? तो यहाँ पे 4 चीज की जरूरत होती है, लिख देता हूँ, सुन लो। अब देखो, तुम लोग बड़ा सियाना आदमी, हमको पता है, सबको सब पता है। बताओ क्या क्या होता है, नाम बताओ। पहला हम ऑर्गेनाइजेशन लिख दिए, तो क्या ही दिक्कत है क्या? एक ही चीज है दोनों, चाहे एंटरप्रेन्योर लिखो या ऑर्गेनाइजेशन लिखो, एक ही है। इसके बगल में ENT लिख देता हूँ, एंटरप्रेन्योर। ये कौन सा चैप्टर था इकोनॉमिक्स ये नहीं पता,
अब देखो ये चार जो चीज होता है ना, ये चार चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो अपने लोग को दरकार होता है। क्या होता है? दरकार होता है कोई भी सामान बनाने के लिए। अब सुनो, बड़े बड़े इंडस्ट्री के तौर पे हम लोग अगर बात करें तो ये चार चीज का जरूरत है कि नहीं, बताओ। जब भी आप कोई काम करने जाओगे तो सबसे पहले यही चीज का दरकार पड़ेगा। अब ना कैपिटल जो है ये एक ब्रॉडर टर्म है। कैपिटल का मतलब सिर्फ मनी नहीं है, यहाँ कैपिटल का मतलब ब्रॉडर टर्म है। इसमें बहुत कुछ आ जाता है, ह्यूमन कैपिटल आ जाता है, फिजिकल कैपिटल आ जाता है, सोशल कैपिटल आ जाता है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस पार्ट। बात समझ में आ रहा है? अब देखो कोई आदमी अगर बिजनेस शुरू करना चाहता है, ये चार एलिमेंट के बिना शुरू कर सकता है? देखो तो लैंड अगर नहीं मिला तो, लैंड का मतलब क्या है, जगह चाहिए उसको। अब लैंड का मतलब लैंड नहीं, लैंड के ऊपर का जगह भी हो सकता है, लैंड के नीचे का भी जगह हो सकता है, इसका घर भी हो सकता है, लैंड के ऊपर जो जंगल है वो भी हो सकता है, उसके ऊपर जो स्पेस है वो भी हो सकता है, उसके नीचे जो मट्टी है वो भी हो सकता है। करेक्ट, तुम लोग बोलोगे कैसे सर? अब देखो किसी को ऑयल ऑयल एक्सट्रैक्ट करना है तो लैंड थोड़ी ना चाहिए उसको। एक्चुअल में क्या चाहिए? लैंड के नीचे का जो सतह है उसके अंदर से उसको तेल निकालना है। तो लैंड को थोड़ी तुम बोलोगे नहीं सर लैंड तो है नहीं, तो लैंड के नीचे का पार्ट है नहीं। बात समझ में आ रही है? लैंड के ऊपर बना रूम वो भी लैंड में। अब मेरा कहानी सुनो, लैंड वाले के लिए अगर तुमने किसी आदमी से लैंड लिया तो उसे क्या देगा? पैसा देगा ना, उस पैसा का नाम क्या है? पैसा तो है, करेक्ट, उसका नाम होता है रेंट। कैपिटल थोड़ी क्यों देगा रे, लैंड वाले को कैपिटल क्यों देगा? लैंड जो तुम लैंड से लेता है उसको क्या दिया जाता है? रेंट। जो लेबर होता है उसको क्या दिया जाता है? पक्का सैलरी नहीं देंगे लेबर वाले को, वेजेस। और कैपिटल वाले को क्या देंगे? और ये प्रॉफिट, करेक्ट। अभी ये जो चारों एलिमेंट है यहाँ पे, ये चारों एलिमेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? इसे हम लोग बोलते हैं आइदर फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर प्राइस। तुम फैक्टर ऑनर की तरफ से सोचो तो उसे क्या मिलता है? प्राइस। उसके लिए फैक्टर प्राइस होता है। और तुम लोग जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर अगर से खरीदने जाता है तो उन लोग के लिए क्या हो जाता है? फैक्टर कॉस्ट, करेक्ट ना? ये देखो ये रहा आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये चार चीज का दरकार पड़ता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, आगे चलें। अब मेरे को बात करो फंक्शंस के बारे में, क्या मतलब होता है सर? व्हाट डू मीन बाय फंक्शन? फंक्शन का मतलब ऑर्केस्ट्रा नहीं, गाना बजना ये सब होने लगे वो नहीं है यहाँ। व्हाट डू मीन बाय फंक्शन? हियर फंक्शन मीन्स अ मैथमेटिकल रिलेशन। क्या है ये? एक मैथमेटिकल रिलेशन या फंक्शनल रिलेशन है। तो फंक्शनल रिलेशन ही लिखता हूँ, याद रहेगा, फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन का एक्चुअल मतलब होता है फंक्शनल रिलेशन, करेक्ट। तो हम इतना लिखा दिया यहाँ पे, तो ये फंक्शन का मतलब तो समझ में आ ही गया होगा। यही एक्चुअल में जो फंक्शन है इसका यहाँ पे लिख दे, प्रोडक्शन फंक्शन ही लिख दे। मैंने प्रोडक्शन फंक्शन का डेफिनेशन तुम लोग को लिखा दिया है, फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। और कोई तुमसे पूछे व्हाट डू मीन बाय फंक्शन, क्या बोलेगा? नहीं, अगर कोई फंक्शन सिर्फ पूछे तो फंक्शन का मतलब होता है फंक्शनल रिलेशन, बस। ये पूरा क्या है? ये प्रोडक्शन फंक्शन का डिफरेंस। तो अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट डू मीन बाय फंक्शन, फंक्शन का मतलब है फंक्शनल रिलेशन, तो और सिंपल में मैथमेटिकल रिलेशन, जिसे हम लोग मैथमेटिक्स की तरह बता सकें। बात समझ में आ रहा है? तुम बोले कैसे मैथमेटिक्स में आप बता सकते हो कैसे होगा? हाँ बता सकते हैं। देखो जनरली क्या होता है, फंक्शनल रिलेशन जो होता है, मैथमेटिकल रिलेशन या फंक्शन जो होता है, प्रोडक्शन फंक्शन, उसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है, प्रोडक्शन फंक्शन से जो सामान बनता है उसे क्या बोलते हैं? क्वांटिटी बोलते हैं, या कोई कोई बुक में से आउटपुट भी बोलता है। तो मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ, ठीक है? आउटपुट, वो का मतलब आउटपुट। आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ व्हाट? इसमें सर आपको क्या क्या लगता है? सर सबसे पहले लेबर लगता है, कैपिटल लगता है, ठीक? तो लेबर लगता है, कैपिटल लगता है, और क्या लगता है? एंटरप्रेन्योर लगता है, और नहीं। लैंड
लैंड लगता है, कैपिटल कर दिया, तो यहाँ पे एक तो लैंड के बदले क्या नाम रखे, इसका एम कर देते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? अगर ये सब में अगर आपको आउटपुट में बदलाव करना है तो आप कहाँ पे बदलाव कीजिएगा? इफ यू वॉन्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज योर आउटपुट, वट विल यू चेंज? सर यही फैक्टर्स में तो चेंज करेंगे। आई विल मेक द चेंजेस इन द फैक्टर्स, देन आवर आउटपुट विल बी चेंज इट सेल्फ। करेक्ट है कि नहीं? अगर तुम लोग अपना मार्क्स बदलना चाहेगा, इफ यू वॉन्ट टू गेट अ गुड मार्क्स, देन वॉट विल यू डू? क्या करेगा? अपना फैक्टर्स जो है, फैक्टर्स ऑफ मार्क्स, उसके ऊपर काम करना शुरू कर लेगा। तो बोलते फैक्टर्स ऑफ मार्क्स में क्या क्या है? तो हम लोग का जिंदगी में फैक्टर्स ऑफ मार्क्स में दो ही चीज़ें हैं, लक्ष्य, एक कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा मोबाइल। यही तो क्या, यही तो है, एक कॉन्सेंट्रेशन है, दूसरा मोबाइल है। अगर कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया जाए, मोबाइल को उड़ा दिया जाए, काम हो जाएगा पूरा। लेकिन रिवर्स करो, कॉन्सेंट्रेशन को उड़ा दो, मोबाइल को डाल दो, 200 के बदले सीधा 20 मिलेगा। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देगा तो शायद 200 के ऊपर भी चला जाए। बात समझ में आ रहा है? तो ये क्या ही बताता है सर, ये फंक्शन है, इसमें क्या होता है, मैथमेटिकल रिलेशन है। अब देखो जनरली क्या होता है, जब तुम लोग पढ़ाई करेगा तो इसमें सिर्फ दो ही चीज का ज्यादा यूज होता है, ये दोनों का यूज नहीं होता है। क्या बोले समझ में? हाँ, एम का लैंड के बदले लिख दिए, कुछ मिल नहीं रहा था क्या ही कर। हाँ अरे ब्रैकेट बंद कर दिया, अगर वो एक के बाद सी नहीं हो ब्रैकेट। टेंशन में है बच्चा, गाइस नॉट बी एबल टू फोकस प्रॉपर, लैक ऑफ फोकस, प्लीज पे अटेंशन, अदरवाइज इट विल इंक्रीज योर टेंशन। अब देखो यहाँ पे जो दो चीज है, ई और एम, इसके बारे में बहुत ज्यादा ही कम बात होता है, अपना सिलेबस में इसके ऊपर बातचीत करने का कोई दरकार है नहीं। तो अपने लोग को जो बात करना होता है, दो ही चीज पे, क्या क्या है? लेबर एंड कैपिटल, लेबर एंड कैपिटल। अब मैं इस चीज को वापस से अगर लिखूं तो इट कैन बी रिटेन लाइक दिस, एफ एल एंड के। ठीक है, तो अगर आउटपुट को बढ़ाना है या घटाना है, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेंज एनी ऑफ द फैक्टर्स, एक को चेंज करो, काम बन जाना है। अब तुम बोलोगे कैसे सर, कैसे होता है? यस सर, सोच के देखो। अब इसको तुम्हें बताता हूँ, सुनो, यही वाला फॉर्मेशन में तुम लोगों का आंसर लिख के दिखाता हूँ। ये देखो, 200 आउटपुट में लिखता हूँ, 200 शर्ट्स, ठीक है, कितना है 260। फंक्शन क्या है? फंक्शन है 3 लेबर प्लस 1 मशीन। ठीक है, 260 है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3 लेबर करना पड़ा, 1 मशीन, 3 लेबर और 1 मशीन मिलकर मैक्स टू मैक्स कितना सामान बना सकता है, 200 शर्ट बना सकता है। करेक्ट, अगर मेरे को ये 200 शर्ट से इसको 400 शर्ट करना है, नाउ व्हाट टू डू दो सर? आई नीड टू चेंज दिस, मेरे को ये पूरी तरीके से बदलना पड़ेगा इन सेम प्रोपोर्शन, क्योंकि इफ यू वॉन्ट टू इंक्रीज योर आउटपुट इन अ डबल, इफ यू वॉन्ट टू इंक्रीज योर शर्ट बाई 200%, देन वॉट डू हैव टू डू, यू हैव टू इंक्रीज योर लेवल एट द सेम प्रोपोर्शन, उसी प्रोपोर्शन में बढ़ाना पड़ेगा। 3 लेवल से तुमको कहाँ पहुंचना पड़ेगा, और 1 मशीन से 2 मशीन में पहुंचना पड़ेगा। करेक्ट, तभी ये आएगा। और ये जनरली क्या है, पर डे का हिसाब है, किसका है, पर डे, 200 शर्ट पर डे, 400 शर्ट पर डे, ये वाला चीज समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे रिलेशन दिख रहा है तुम लोग को, आउटपुट इज जनरली रिलेटेड विथ वॉट फैक्टर्स, ये जो चीज है तुम्हारा लेबर, इसे लेबर बोलते हैं, और ये जो है ये क्या बोलते हैं इसको, कैपिटल, और ये जो चीज है ये क्या है, आउटपुट। नाउ सी, इसमें अगर चेंज हो रहा है, इसमें चेंज हो रहा है, तो ये भी बदल जा रहा है, कैसा? नो, अगर लेबर और कैपिटल को आप चेंज करोगे, यू आर सीइंग, यू आर ऑब्जर्विंग दैट देयर इज अ चेंज इन द आउटपुट लेवल। अब यहाँ पे एक चीज और बताओ, यहाँ पे डिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है, ये बताओ। डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बताओ रे, आउटपुट आउटपुट से डिपेंडेंट, ये कॉमन सेंस लग रहा है, आउटपुट इज डिपेंडेंट, मतलब आउटपुट डिपेंड किसके ऊपर करता है, फैक्टर्स के ऊपर, और फैक्टर्स क्या क्या हैं, के एंड। तो ये सब चीज समझ में आ गया होगा मोस्ट प्रोबेबली। अब एक बार इसका क्या पूरा का पूरा चीज लिखा दूं। अब देखो यहाँ पे एक चीज और होता है, यहाँ पे जो आप लोग यूज करते हो ना, यहाँ पे जो इनपुट यूज किया जाता है वो क्या होता है, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ इनपुट होता है।
देखो यहाँ पे जो इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशन होता है, क्या बोल रहे हो, ध्यान से सुनो। प्रोडक्शन फंक्शन में जो इनपुट होता है वो मिनिमम इनपुट होता है, मतलब माई बाई यूजिंग दैट मिनिमम इनपुट यू कैन कंप्यूट द मैक्सिमम आउटपुट। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ पे जो आप इनपुट यूज करते हो, इनपुट जो होता है यहाँ पे क्या होता है, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ इनपुट होता है। तो व्यवस्था है इसका, तो मतलब प्रोडक्शन फंक्शन जो आपको रिलेशन दिखाता है वो क्या दिखाता है, एकदम एफिशिएंट रिलेशन दिखाता है। मतलब आप दो लेबर और दो मशीन, मतलब तीन लेबर और एक मशीन को यूज करके, ये जो मिनिमम कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को यूज करके मैक्स टू मैक्स एक दिन में कितना बना सकते हो, ये वाला अप्रोच बताता है। ये नहीं बोलता कि उतना ही बनेगा, मतलब ये बताता है अगर आप इसको अच्छे एफिशिएंटली यूज करोगे तो मैक्स टू मैक्स आप कितना तक पहुंच सकते हो, 200 शर्ट पर डे। अब ये मत समझना कि 200 शर्ट के बदले आप 400 शर्ट बना लोगे या 210 शर्ट बना लोगे, इट इज नॉट पॉसिबल। वो मैक्सिमम है 200, उसके ऊपर जा नहीं सकते, और वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 200 बनाने के लिए। अगर 200 शर्ट आपको चाहिए देन यू हैव टू यूज दिस कॉम्बिनेशन, और ये कॉम्बिनेशन आप 6 हजार करोगे योर आउटपुट विल बी चेंज। बात समझ में आया? अब इसको इंग्लिश में लिखेगा तुम लोग, एक बार इंग्लिश में भी लिख ले। रिक्वायर्ड हाँ? रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंट रिमेन कॉन्स्टेंट फिक्स जो भी जाएगा वो। आगे चलें। अब देखो ये जो टाइप्स के बारे में बात करते हैं, टाइप्स, ये प्रोडक्शन फंक्शन के टाइप्स। देखो टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, बता सकता है कितना टाइप का प्रोडक्शन फंक्शन हो सकता है? वाह, ये तो नहीं होता।
ऐसा टाइप का कोई प्रोडक्शन फंक्शन नहीं है। बताओ प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में तुम लोग को आइडिया है? शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, चलो आ जाओ। अब देखो टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है ना दो टाइप का होता है, बस एकदम झकास। सबसे पहला का नाम क्या होता है? शॉर्ट रन प्रोडक्शन। लास्ट वाला बताओ क्या होना चाहिए? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब जो बात है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या होता है ये बताओ। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में ना एलिमेंट तो सेम रहता है, लेकिन दिक्कत कहाँ पर होता है बताए? थोड़ा सा ही चीज में दिक्कत। पहले उसको न्यूमेरिकली दिखा देता हूँ, फिर इसको इंग्लिश में लिखा दूँ। ओके, यहाँ पे क्या होता है शॉर्ट रन में क्या होता है, यहाँ पे जो आउटपुट होता है ना वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? के एंड एल के ऊपर, करेक्ट। तो यहाँ पे ना सिर्फ एक ही चीज बदलता है, क्या हो गया यहाँ पे? अगर शॉर्ट रन में क्या होता है, इफ यू वॉन्ट टू इंक्रीज आउटपुट, इफ यू वॉन्ट टू इंक्रीज आउटपुट ओनली वन थिंग विल बी चेंज। वो चीज क्या है पता है? वो चीज सिर्फ और सिर्फ लेबर है। बढ़ेगा क्या लेबर, घटेगा क्या लेबर। यू कैनॉट मेक एनी काइंड ऑफ एडजस्टमेंट इन कैपिटल, यू कैनॉट मेक एनी काइंड ऑफ एडजस्टमेंट। हाँ कैपिटल को क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते, टेक्निकल एरर के कारण तुम लोगों को दिखा नहीं होगा, यही चीज दिखा रहे थे। देखो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, अब इसमें रिलेशन क्या है, मैथमेटिकल रिलेशन देख लो। अगर तुमको बदलना है तो तुम सिर्फ किसी को बदल सकता है, सिर्फ और सिर्फ लेबर को बदलेगा, और बाकी चीज क्या रहेगा यहाँ पे कॉन्स्टेंट। समझ में आया? तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में इफ यू वॉन्ट टू इंक्रीमेंट, इफ यू वॉन्ट टू एडजस्ट योर आउटपुट, देन वॉट वी हैव टू चेंज ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड रिमेनिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैज टू बी केप्ट कॉन्स्टेंट। अब तुम लोग को इतना कहानी जब तुम लोग को बोल दिया है तब तुम लोग इसको इंग्लिश में लिख ही सकता होगा मोस्ट प्रोबेबली। अब देखो जिसका इंग्लिश साउंड है वो लिख लिया होगा, और जिसका हिंदी साउंड है वो समझ लिया होगा, करेक्ट। और जिसका दोनों साउंड है वो एमसीक्यू भी कर लिया होगा अभी तक। अब देखो क्या लिखते हैं यहाँ पे, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है, इसको एसआर लिख दे। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्लेन्स, द चेंज इन आउटपुट व्हेन वन फैक्टर इज चेंज्ड। एंड ऑल अदर फैक्टर्स क्या होना चाहिए? ऑल अदर फैक्टर्स को क्या करें? लिख दो ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन कॉन्स्टेंट, लिख दे रिमेन, मेरे तो लिखने ही नहीं दे रहा ये। करेक्ट, यही तो है, इसे शॉर्ट रन बोलते हैं। शॉर्ट रन में क्या बदलता है तो एक बार याद कर लो, यहाँ पे शॉर्ट रन में क्या होता है, सारा का सारा फैक्टर कॉन्स्टेंट रहता है, सिर्फ एक ही फैक्टर बदलता है, उसका नाम क्या होता है लेबर। ओनली लेबर विल चेंज एंड ऑल अदर फैक्टर्स विल रिमेन कॉन्स्टेंट, करेक्ट। समझ में आ गया, शॉर्ट रन में यही अवस्था होता है। और जब बात लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का करेंगे तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, ये रहा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का जब बात करेंगे तो इसमें क्या होता है पता है? मोर और लेस सेम ही रहता है। इसमें क्या होता है, आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड करता है? लेबर एंड कैपिटल के ऊपर। यहाँ पे क्या होता है ना, दोनों चीज ही बदल जाता है। क्या होता है यहाँ पे, कोई भी चीज फिक्स नहीं रहता। अगर आपको आउटपुट इंक्रीज करना है देन यू हैव टू चेंज बोथ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे बोथ नहीं होगा, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होगा। क्या बोले समझ में? ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बदलना पड़ेगा एंड सेम प्रोपोर्शन में। किसमें? सेम प्रोपोर्शन में, मतलब
तुम एक एक करके बदलेगा नहीं, सीधा परसेंटेज बदलेगा, मतलब ये 10% से बढ़ा सब कुछ 10% से बढ़ेगा। इफ यू वांट टू इंक्रीज योर प्रोडक्शन बाय 10% देन यू हैव टू चेंज ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय 10%। समझ में आ गया? यही वाला बात यहाँ पे बोल रहा है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वही वाला चीज लिखते हैं। अगर इनको ओ है, एफ है, एल है, के है, यहाँ पे चेंज किसके ऊपर होगा, एल आर के, दोनों बदलेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे दोनों ही बदलेगा इन ऑर्डर टू इंक्रीज दिस। अब इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं थोड़ा सा, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्लेन्स चेंज इन आउटपुट व्हेन ऑल फैक्टर्स आर चेंज्ड एट द सेम टाइम। एंड इन सेम प्रोपोर्शन। समझ में आ गया इतना कहानी? ये है प्रोडक्शन का सबसे पहला इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हम लोगों ने करीब करीब 1 घंटा इन्वेस्ट कर दिया। अब हम लोग थोड़ा टाइम वेस्ट करेंगे, आइए जो समझ के आपको थोड़ा मन में ललचाहट होगा, अरे इतना इजी इजी चैप्टर है तो ये। आया थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। अब कॉन्सेप्ट नंबर कितना होगा बताएगा? कॉन्सेप्ट नंबर 2 ही होगा रे, 3 होगा। चलो आ जाओ कॉन्सेप्ट नंबर 3। यहाँ पे बात करेंगे टीपी, एमपी, एपी। एक होता है टोटल पागल, एम फॉर मोटा मोटी पागल, ए फॉर अलग ही पागल। चलो भाई, टीपी का मतलब होता है टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, नो चॉइस यू हैव। चलिए टीपी, एमपी, चलिए आ जाइए। अब थोड़ा बातचीत करेंगे, यहाँ पे कुछ चीज बताएंगे, फॉर्मूला वार्मूला सब है यहाँ पे, थोड़ा आराम से पढ़िएगा इसे। एक बार पढ़ना है क्योंकि इसके बाद टीसी भी आएगा, एमसी भी आएगा, टीआर भी आएगा, एमआर भी है। तो अगर आप प्रोडक्ट को अच्छे से समझ जाएंगे तो टीसी कॉस्ट वाला भी पार्ट कवर हो जाएगा, रेवेन्यू वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा। आइए सबसे पहले ये बताइए टीपी का मतलब क्या होता है सर, इसका क्या क्या नाम होता है बता देते हैं। एक होता है इसका नाम है टोटल प्रोडक्ट, दूसरा नाम होता है टोटल, टी डबल पी भी होता है, और कभी कभी इसे टोटल रिटर्न भी बोल दिया जाता है, टी आर। तुम लोग बोलेगा सर पहले नाम का फुल फॉर्म बताओ, तो एक का नाम क्या हो गया टोटल प्रोडक्ट, दूसरा नाम हो गया टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, और तीसरा हो गया टोटल रिटर्न। ठीक है, चलो अब टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है वो लिख लो।
ये यहाँ पे ये ना लिख के इसको ऐसे ही लिखो। लिखो यहाँ पे इसका मतलब है टोटल प्रोडक्ट इज द टीपी इज द टोटल आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम एफर्ट ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ एफर्ट्स efforts of all the factors of production combined together इसका मतलब क्या है? टोटल कितना प्रोडक्ट आप बना रहे हो ना, सिंपल भाषा में क्या है, टोटलिटी पे आप कितना गुड्स बना सकते हो बाय यूजिंग अ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो मैं टोटल मतलब आप जैसे हम बताए 200 शर्ट 400 शर्ट 660, ये एक्चुअल में क्या है, दीज आर द टोटल आउटपुट दैट वी कैन ऑब्टेन बाय एम्प्लॉइंग अ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। करेक्ट, मैक्सिमम जितना निकल सकता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब जोड़ जाड़ के उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, उसे टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद आता है एपीपी। एपीपी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले एपी देन एपीपी देन एआर। अब एपी का मतलब क्या होता है बताओ, क्या है एवरेज रिटर्न। अब ये वाला चीज को कैसे निकालते हैं ये तुम लोगों को पता है, एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है ये बताओ। इसके अंदर सिंपल एट दैट जैसे मतलब डेफिनेशन, इट इज द टोटल प्रोडक्ट देख, टोटल प्रोडक्ट में तुम लोग के पास एक लाइन बचा हुआ, एक लाइन होगा, एक लाइन एक्स्ट्रा है, बस ठीक हो जाएगा, एक लाइन है तुम लोग के पास। तुम बड़ा चाप क्यों बनाते हैं क्या रे, गवर्नमेंट ऑफिसर को बुलाना पड़ेगा मेजरमेंट के लिए। देखो इसके बगल में लिख दो, ये थोड़ा सा लाइन है तो यहाँ पे फॉर्मूला एक बार लिख दे, टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, हमें लिखने ही बोला गया। ये देखो टीपी का जो फॉर्मूला होता है वो दो फॉर्मूला आता है जनरली, एक आता है टीपी इज इक्वल्स टू समेशन एमपी, क्या आता है टीपी इज इक्वल्स टू समेशन एमपी, और दूसरा आता है टीपी इज इक्वल्स टू एपी इनटू वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर। भी फैक्टर का मतलब पता है तो क्या होता है, क्या तो और दिमाग लगाओ समझ में आ जाएगा। सोचो कुछ तो है,
जो भी फैक्टर है। अब वहीं पे जब, सर हाँ एक्स या एक्स फैक्टर भी फैक्टर, हो गया। चले अब देखो, एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखना है। इसका फॉर्मूला थोड़ा आसान है, तुम लोग जानता भी हो। एवरेज का फॉर्मूला बता सकता है कोई? एवरेज अब यही वाला चीज को देखो, इसी से हम लोग टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मूला निकाले। देखो, एवरेज प्रोडक्ट इनटू वेरिएबल फैक्टर, देखो हो गया। चले आगे, शैल बी प्रोसीड फर्दर, लेट्स गो। अगर किसी का नहीं हुआ तो बेटर हो। अब बात करेंगे एमपी, एमपीपी एंड देन एमपी का मतलब क्या होता है? एमपी का मतलब बोल रहे हैं मध्य प्रदेश। वाह नाइस। कोई और बोल देना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होता है। अब जो एमपी का मतलब जो होता है, वो हम लोग साधारण भाषा में एमपी को बोलते हैं, मार्जिनल। इसका मतलब होता है इट इज द एडिशनल आउटपुट। साहब का नहीं हुआ है, साहब इज गोइंग स्लो। ना एडिशनल प्रोडक्ट, ये वाला मतलब क्या हो रहा है समझ में आ रहा है? मार्जिनल प्रोडक्ट का कुछ मतलब समझ पा रहा है? मतलब यहाँ साधारण भाषा में ये बोला जा रहा है कि अगर आप एक वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाओगे तो उससे आपके टोटल प्रोडक्ट में क्या चेंज आएगा, क्या बोला समझ में आया? एक अगर आप फैक्टर को चेंज करते हो तो उससे आपके टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आ रहा है। और इसको और ठीक संभव एकदम और आसानी से समझना है तो यू कैन अंडरस्टैंड बाय यूजिंग दिस दिस एग्जांपल। अभी एग्जांपल क्या है, मानो मेरा 10 लेबर था, 10 लेबर कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम 400 टी-शर्ट। ठीक है, जैसे ही मैंने 11वां दैट इज 11th लेबर को एम्प्लॉय किया,
दैट पर्सन ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ दैट पर्सन आवर टोटल प्रोडक्ट रीच इज 450। तो अब बताओ वो जो इलेवेंथ वाला जो लेबर है उसने कितना सामान बनाया होगा? 50। यही तो तुम लोग आंसर दे पाया? कैसे निकाला? इसी आंसर से तुम लोग फॉर्मूला डेवलप करेगा। बाय यूजिंग दिस एग्जांपल से ही तुम लोग फॉर्मूला डेवलप करेगा। कैसे सर? ये देखो, मैं अगर तुमको इसको लिख के दिखाऊं, अपना जो एग्जांपल है, क्या बोले थे, मेरे 10th लेबर जब मेरा 10 था तो मेरा टोटल प्रोडक्ट कितना था? 400। जैसे ही मेरा लेबर कितना हुआ 11th, मेरा टोटल प्रोडक्ट कहाँ पहुंच गया? 450। करेक्ट है। तो आप जो MR या MP निकाल रहे हो, यू आर फाइंडिंग आउट द MP ऑफ विच यूनिट? 10th की 11th? 11th। अब 11th के लिए क्या करना पड़ेगा, याद है फॉर्मूला आया था टोटल यूटिलिटी में, क्या लिखे थे? TP माइनस TP। खाली यहाँ पे N हो जाता था और यहाँ पे क्या हो जाता था, और N का मतलब क्या है? नंबर, ये वाला। करेक्ट। तो TP ऑफ 11th यूनिट माइनस TP ऑफ 10th यूनिट, 11 माइनस 1 10 होता, तो खत्म। अब बताओ TP कितना कितना है, 11th यूनिट का TP कितना है? 450। और TP ऑफ 10 यूनिट कितना है? 400। और MP ऑफ 11th यूनिट कितना आ गया? 50। तुम लोग तो ये वाला बात इतना कैलकुलेशन करने से पहले ही बता दिया, क्या इकोनॉमिक्स वाला आदमी ये सब बनाया? बताओ, तुम लोग का ब्रेन बहुत फास्ट चलता है, फॉर्मूला वॉर्मूला का दरकार है ही नहीं तुम लोग। ये वाला बात समझ में आया कैसे काम चला? तो एक फॉर्मूला तो दिख गया, इसका एक और फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला का नाम तुम लोग को याद होगा मोस्ट प्रोबेबली, MP का एक और फॉर्मूला था अपने पास। वो वाला फॉर्मूला कुछ ऐसा था, चेंज इन TQ बाई चेंज इन वेरिएबल फैक्टर। अब इसी चीज को यहाँ अप्लाई करेंगे, कैसे निकलेगा? देखो मेरा चेंज इन TQ कितना हो गया है, 450 माइनस 400। करेक्ट, यही तो। और मेरा वेरिएबल फैक्टर क्या हो गया है, 11 से 10 या 10 से 11। करेक्ट। अब इसको माइनस करके देखो कितना आ रहा है, तो मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट वन ही तो आ रहा है। समझ में आया? आपका कितना फॉर्मूला, यू कैन यूज इट हियर। दो फॉर्मूला यूज कर सकता है, मैं दोनों फॉर्मूला एक बार थोड़ा लिख दूं यहाँ पर आराम से। अच्छे से लिखना पड़ेगा ना, तुम लोग नीचे लिख देना। अब यहाँ पे लिखो MP का आपके पास कितना फॉर्मूला है, 2। MP ऑफ nth यूनिट इज इक्वल टू TP n माइनस 1। और एक तो क्या था, तुम लोग नीचे लिख लेना, डब्बा हो सकता है, डब्बा कैन बी मिसप्लेस्ड, देन व्हाट विल यू डू? चलो जल्दी देख लो ये तीनों का, उसका थोड़ा सवाल देंगे, सम बना लेंगे, सम। चलें, अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है, AP TP MP सीख लिया। अब थोड़ा सवाल देते हैं, एक सवाल देते हैं इसको करके, एक सवाल दे रहे हैं। लो एग्जांपल, मैं तुमको यहां पे दूंगा एग्जांपल, ये लो एग्जांपल दे दिया, लेबर 1 2 3 4, 1 2 3 4 लेबर। अब मैं तुमको यहाँ पे देता हूँ TP MP AP, कुछ कुछ जगह पे मैं फिगर मिस कर दूंगा, तुम लोग को उसको फिलअप करना है। क्या बोले, समझ में आया? नहीं, पहले थोड़ा आसान देते हैं, पहले थोड़ा आसान देते हैं, हार्ड नहीं देंगे तुम लोग। तुम लोग पहले ये बनाओ, 10 24 40 38, फिल इन द ब्लैंक, ये MP और AP का टेबल को भरो। आपके पास है 2 मिनट, ये रहा आपका समय, 2 मिनट आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए चलिए जल्दी जल्दी हाथ चलाइए बच्चा लोग, आप लोग चाहें तो अपना ब्रेन यूज कर सकते हैं, और मुझे लगता है आप लोगों के पास ब्रेन है। डोंट लाफ, व्हाई आर यू लाफिंग, डोंट यू हैव ब्रेन? दिस गाय इज वेरी मिसच्यूअस, मिसच्यूअस गाय। बताओ बताओ भाई बताओ, जल्दी बताओ, इतना टाइम थोड़ी ना लगता है ये सब सवाल बनाने में, तुम लोग तो चैंपियन लड़का लोग। कर लिया? किसका किसका हो गया? तुम लोग बाकी लोग क्या कर रहा है? अर्पिता, अर्पिता हो गया। ये भी नहीं निकल रहा, गेट बंद कर दो, चला जाएगा। हो गया, चलो आ जाओ। अब सबसे पहले ये बताओ एमपी किसका कितना कितना आया है, पहला एमपी कितना है, दस, दूसरा, चौथा, तीसरा, चौथा। दो, माइनस, माइनस काटो पहले, अब दो लिखा माइनस दो। अब बताओ एपी किसको किसका नहीं आया, एवरेज प्रोडक्ट अगर तुमने नहीं निकाल पाता तो हम क्या ही बताएं, बताओ। टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड लेबर कर दो, देखो कितना आता है, 10 डिवाइडेड 1 10, 24 डिवाइडेड 2 12, 40 डिवाइडेड 3 13.33, 38 डिवाइडेड 4 9.5। देखा तुम लोग यही नहीं कर पाया, उद्देश्य तो मेरे बड़े थे लेकिन उपदेश कमजोर हो गए शायद। हो गया, चलो एक बार अपना मैट निकालो। ये देखो जिसका इसका मैट है गुड, जिसका नहीं है वो देखो इधर क्या लिखा हुआ है, देखो तो क्या लिखा हुआ है, देखो ना, पढ़ो पढ़ो इंग्लिश वाले लोग पढ़ो। यूज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू आंसर क्वेश्चन 14 से 16। तो मतलब ये है कि 14 से 16 क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको जो ये यहाँ गिवन इंफॉर्मेशन है उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आपके पास जो चीज लिखा हुआ है इसको आप फील कर सकते हैं, ये बताइए इसको फील कर सकते हैं? अगर फील कर सकते हैं तो कीजिए, पहले फिल अप करो।
देखो ये फिलअप होगा तुम लोग से। ये देखो सबसे पहले यहाँ पूछा क्या है, आपका टोटल प्रोडक्ट यहाँ 100 है, यहाँ भी 100 है, मार्जिनल प्रोडक्ट कितना है 80, मतलब सेकंड लेवर कितना ऐड कर रहा है, 80 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर टोटल 80 पे कितना हो जाएगा, करेक्ट। तीसरा वाला देखो यहाँ 240 हो जा रहा है, तो यहाँ कितना आएगा, खत्म कहानी। अब कौन सा फॉर्मूला यूज किया बता देता हूँ, यहाँ पे आप लोगों ने सम, यहाँ पे आपने क्या यूज किया है, टीपी इज इक्वल टू सम ऑफ एमपी, देखो यहाँ पे दोनों को जोड़ के आपने इसको निकाला है, और यहाँ पे जो आपने फॉर्मूला यूज किया है एमपी, इसका फॉर्मूला है टीपी सी माइनस टीपी टू। देखो यही क्या ना, अपना अपना आंसर बताओ क्या लिखा है, व्हाट इज द टोटल आउटपुट व्हेन 2 आवर्स ऑफ लेबर आर एम्प्लॉयड, 180 ऑप्शन में है, पक्का हो गया। 15 नंबर बताओ, व्हाट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द 3rd आवर ऑफ द लेबर, अभी निकालें। 16 नंबर बताओ, व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द 1st 3 आवर्स ऑफ लेबर, अब मजा है ना, 80। मेरे को तो नहीं पता, तुम लोग बताओ क्या होगा, मेरे को लग रहा है 80 हो, 240 / 3, ये तो टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल लेबर। समझ में आया, चलिए अपना काम पे चलते हैं, फिर प्रस्थान करेंगे। मेरे को यहाँ पे एक थोड़ा लॉ सिखाना है, लेकिन मैं लॉ शुरू नहीं करना चाहता, यहाँ पे एक थ्योरी है जो सिखाना है। अब ये थ्योरी अभी आधा होगा, नेक्स्ट डे आधा हो जाएगा, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ इससे अच्छा। देख आज मैं नया पार्ट शुरू नहीं कर रहा हूँ, जितना तक है उतना ही रखो, नया वाला नेक्स्ट डे। चलो तो फिर आज हम लोग शुरू करते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर, ये रहा कॉन्सेप्ट नंबर 4, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे LVP। क्या पढ़ेंगे, LVP, ये क्या होता है LVP, पता है तुम लोग को, L फॉर होता है लॉ, V फॉर होता है वेरिएबल, P फॉर होता है प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। समझा, अब देखो एक चीज बताता हूँ, ये चीज को समझने के लिए थोड़ा सा एक चीज बताता हूँ, एक बार इसको देखो क्या बोलना है मेरे को। एक चीज तुम लोग बताओ, तुम लोग का आउटपुट किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, यही तो, जिसमें मैं के मेरा क्या है, के इज फिक्स्ड, हमको वैरी किसको करना है, सिर्फ एल वैरी होगा, करेक्ट, तो मैं सिर्फ एल ही बदल पाऊंगा। अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं L को इंक्रीज करता जाऊं तो क्या मेरा आउटपुट इंक्रीज होता जाएगा, अगर मैं लेबर को बढ़ाते चलूं तो मेरा आउटपुट इंक्रीज होता चलेगा, यस और नो, आंसर यही बताना है तुम्हें। वेदर अगर मैं एक वेरिएबल फैक्टर दैट इज लेबर उसको अगर मैं बढ़ाते चलूं तो क्या मेरा आउटपुट बढ़ते चलेगा, किस पे बताओ, किस पे डिपेंड करता, अब इतना अच्छा तुम लोग बोला मेरे को अच्छा लगा, बताओ किस पे डिपेंड करता, प्रोडक्ट पे डिपेंड करता, कि लेवल लगाना है कि नहीं लगाना,
नहीं सर, मशीन का एक कैपिटल बनता जैसे बिल्डिंग बनता है तो है। उसकी वेट हमारी का एक मशीन होता है, मशीन को बढ़ा देने से कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा, मशीन एक रखे लेबर बुला ले काम फटाफट होगा तो काम एक दिन हो जाएगा, एकदम बोल रहे हैं क्या? कैपिटल एक बढ़ने पड़ेगा, तो तुम क्या बोलना चाह रहे हैं कि लेबर हम लोग लेबर बढ़ाते एक जाएं? बढ़ने ओके, काम में इतना सब तुम लोग कहाँ से नॉलेज लाते हैं? जो भी आया ज्ञान देना शुरू। देख मेरा बात सुनो, यहाँ पर झमेला ऐसा होता है कि आपका जो लेबर है, लेबर बात प्रोडक्शन का हो रहा है, प्रोडक्ट का नहीं, तो प्रोडक्ट का जो बातचीत करेंगे वो मैनेजमेंट में करेंगे, इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में बात हो रहा है लेबर का। अगर देखो, अगर मैंने कैपिटल को बदल दिया, अगर मैंने कैपिटल को चेंज कर दिया, देन हम लोग कहाँ चल जाएंगे लॉन्ग टर्म में? यही तो, शॉर्ट टर्म में क्या होता है, सिर्फ एक वेरिएबल होता है, बाकी फिक्स होता है, करेक्ट? तो यहाँ पे मेरा वेरिएबल क्या है? सिर्फ और सिर्फ लेबर। इसका मतलब क्या है? इन ऑर्डर टू मेक चेंजेस इन आउटपुट, आई नीड टू मेक एडजस्टमेंट इन लेबर। सिर्फ और सिर्फ लेबर बदलेगा, बाकी सब कुछ कांस्टेंट रहने वाला है। नाउ द पॉइंट इज, अपना जो फंक्शन है उस हिसाब से क्या होगा? आउटपुट विल इंक्रीज इफ लेबर इज इंक्रीज। ठीक है, ये करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे जो इंक्रीज होगा इसका रेट अलग अलग होता है। इंक्रीज का रेट, जो परसेंटेज चेंज इन लेबर पहला जो होगा, हो सकता है इट इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन आउटपुट, दूसरा हो सकता है परसेंटेज चेंज इन लेबर इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन आउटपुट, एंड परसेंटेज चेंज इन लेबर इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन आउटपुट। ये दोनों सबका सब सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। किस डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन, सबका सब सेम डायरेक्शन। इसका मतलब मैंने अगर लेबर बढ़ाया 10% से, हो सकता है मेरा आउटपुट कितना परसेंट से बढ़े? 20% से। दूसरा बार मैंने लेबर बढ़ाया फिर 10% से, इस बार मेरा आउटपुट बढ़ा 10% से। तीसरा बार मैंने फिर 10% से लेबर बढ़ाया तो, लेकिन मेरा आउटपुट बढ़ा कितना से? 8% से, 5% से। क्यों ऐसा क्यों होता है? सर ये वाला सीन आप लोग का आएगा ही आएगा, जैसे हम लोग बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। क्या बोलते हैं? स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब पता है क्या तुम लोग? स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है? हाँ यही बात हुआ ना, तुम लोग भी बोलेगा स्पेशलाइजेशन तो अपने को पता नहीं। अरे भाई, जब तुमको गला में दर्द होगा तो किसके पास जाएगा? जनरल फिजिशियन की ENT? ये भाई जनरल के पास क्यों नहीं जाएगा? वो भी तो तुमको वही दवाई देगा, वो स्पेशलिस्ट है। देखा, यही बात समझ में आया ना, यही स्पेशलिस्ट है। तो यहाँ पे यही होता है, जब एक ही आदमी एक ही टाइप का काम को बार बार करने लगता है तो वो क्या बन जाता है? स्पेशलिस्ट। जैसे हम लोग का सूर्य कुमार यादव खाली पीछे छह मारने का स्पेशलिस्ट है, ठीक कि नहीं? खाली पीछे छक्का मारता है, यही तो। उसके बाद अपना और कौन है? और कोई स्पेशलिस्ट है जो मैच फिनिश करता था? क्या नाम? धोनी था अपना, वो मैच फिनिशर था। समझ में आ रहा है ये चीज क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अब देख, यही वाला चीज, ये जो चीज लिखे है ना, यही तुम्हारे एक्चुअल में लॉ है। अब इस लॉ में तुमको क्या दिखता है कि जब मैं लेबर को बढ़ा रहा हूँ, जब मैं लेबर को बढ़ा रहा हूँ तो मेरा आउटपुट पहले क्या बढ़ रहा है? इंक्रीजिंग रेट से, देन कॉन्स्टेंट रेट से, देन डिक्रीजिंग रेट से, और लास्ट में क्या होता है पता है? मैं लेबर को इंक्रीज कर रहा हूं लेकिन मेरा आउटपुट डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये है सीन, यही वाला सीन तुम लोग को बताना है, समझ में आया? अब ये चीज, ऐसा जो चीज है ये तुम लोग लिखा है, इसका यहां पे लिख के इसका नाम रख देना, क्या पता है? क्या सर? रॉफ। इसका नाम लिख देना रॉफ, मतलब ये हम लोग का डिस्कशन का मुद्दा है। अब देख रहे, हमेशा देखना स्टैंडर्ड वर्ड से ज्यादा रफ ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। हाँ कि ना बता, कचरा कर दो जितना ज्यादा उतना अच्छा समझ में आता है। जितना अच्छे से लिखो तो डर लगता है, सर इतना अच्छे से लिखे समझ में क्यों नहीं आ रहा? समझ में आना चाहिए, करेक्ट है कि नहीं? अब आओ एक बार स्टेटमेंट लिखते हैं, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता है। तो सबसे पहले अपने लोग किसी भी लॉ में क्या लिखते हैं? डेफिनेशन स्टेटमेंट।
डेफिनेशन स्टेट डेफिनेशन क्यों नहीं देखना पड़ता। चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं। तो ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है ये हमेशा रन होता है किसमें, शॉर्ट रन में, इन शॉर्ट रन, व्हेन वन फैक्टर इज इंक्रीज्ड क्या वेरी इज इंक्रीज्ड, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग अदर्स हेल्ड कॉन्स्टेंट, देख लो लिख लिया क्या क्या सब बोल दिए यहां पे। हम बोले कि जैसे तुम फैक्टर को बढ़ाते चलेगा तो इनिशियल पे क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, देन कांस्टेंट रेट से, देन डिक्रीजिंग रेट से, फिर मैक्सिमम पहुंचेगा, फिर आराम से गिर जाएगा। बस यही बात है और कुछ नहीं है इतना में, ठीक है। अब आ जाओ थोड़ा अजम्पशन लिखना है, लिख लिया ये सब समझ में आ गया, तो अब टेबल बताएंगे तो उससे और ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब यहाँ पे आके लिखो अजम्पशन, अजम्पशन में सबसे पहला अजम्पशन लिखो वन फैक्टर वेरिएबल रेस्ट आर फिक्स्ड। दूसरा नंबर टेक्नोलॉजी रिमेन कॉन्स्टेंट, तीसरा वेरिएबल फैक्टर इक्वली एफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब पता है क्या होता है, एफिशिएंट का मतलब पता है क्या होता है, एफिशिएंट का मतलब होता है क्षमता, ये तो क्षमता बोलते हैं उसको, सबके अंदर अलग अलग एबिलिटी होता है काम करने का, तो
तो यहाँ पे बोल रहा है हर एक वेरिएबल फैक्टर दैट इज हियर इन द गिवन केस लेबर, हर एक लेबर के पास सेम लेवल ऑफ एबिलिटी है काम करने का। अब ऐसा नहीं कोई ज्यादा एफिशिएंट है कोई कम एफिशिएंट है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे अजम्पशन ये माना जाता है कि सारा का सारा लेबर क्या है, सेम एफिशिएंसी का है, सबके पास सेम बराबर का नॉलेज है, बराबर का पावर है, ठीक है, बस खत्म इतना कहानी। देखो ये है अपना अजम्पशन, ये था लॉ। अब शुरू करते हैं लॉ का एक्सप्लेनेशन। देखो लॉ का एक्सप्लेनेशन तब समझ में आएगा कि पहले एक बार तुम लोग को एक बार हर लॉ में हम लोगों ने किया है ना, पहले टेबल बनाया है फिर कर्व बनाया है, यही तो पहले टेबल बनाया है फिर कर्व बनाया है। एक बार एक काम करते हैं, एक में तुम लोग को टेबल बनाता हूँ पहले, ठीक है। टेबल में तुम लोग को थोड़ा ब्रेन लगाना पड़ेगा क्योंकि तुम लोग का भी थोड़ा काम है। अब मैं एक टेबल बनाता हूँ, इस टेबल से तुम लोग सारा कुछ निकालना। आ जा, सबसे पहले इस टेबल को ध्यान से देख लो एक बार, क्या क्या करना है इस टेबल में। इसे बोलते हैं जी। अब इसमें सबसे पहले आता है कैपिटल, के फॉर कैपिटल, एल फॉर लेबर। उसके बाद हम लगाते हैं हर एक आदमी कितना कितना प्रोडक्ट ला रहा है, इंक्रीमेंट के कारण एक्स्ट्रा कितना है। उसके बाद हम लोग निकालेंगे डीपी, उसके बाद एपी। क्या करेगा बता, क्या बोला? हाँ जरूर लिखना, क्यों नहीं लिखना। अब देखो तुम लोग पता है तुम लोगों को कि हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहने वाला है, के रिमेन कांस्टेंट। मान लेते हैं अपना के क्या है, वन, तो ये वन वन रहना तो जब तक चलता है चले, ठीक है। उसके बाद अपने लोग को लेबर शुरू करते हैं जीरो से, ये रहा मेरा लेबर जीरो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन। ठीक है, ये लेबर है, तो आपका कैपिटल क्या रहेगा, हमेशा ही फिक्स रहने वाला है, यही तो ना, कैपिटल बदल जाएगा, ये ठीक है। अब तुम लोग यहाँ पे एमपी बताता हूँ। देखो जब लेबर कुछ नहीं था तो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो, करेक्ट डैश। अब बताओ जब मेरा लेबर वन आया तो उसने कंट्रीब्यूट किया दस, दूसरा लेबर जो आया उसने कंट्रीब्यूट किया चौदह, तीसरा वाले ने सत्रह, उसके बाद जो आया वो किया पंद्रह, चौदह, आठ, छः, चार, दो, जीरो, देन माइनस टू। अब यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है, इस टेबल से तुम लोगों को थोड़ा सा फिलअप करना है। टोटल प्रोडक्ट बना के देखो और एपी बना के निकाल के दो, कितना टोटल प्रोडक्ट आ रहा है, कितना एवरेज प्रोडक्ट आ रहा है। अब तुम लोग अपना ब्रेन लगाओ यहाँ पे टोटल। चलिए अब हम लोग काम शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला लेबर ने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया तो ये हो गया जीरो, जीरो। दूसरा ने जब पहला लेबर आया तो वो बनाया दस, दूसरा लेबर ने चौदह दिया तो मतलब ये कितना हो जाएगा चौबीस, उसके बाद यही तो। अब देखो दूसरा काम क्या है, एवरेज निकालना है, एवरेज तो और आसान है, डिवाइड करो सिर्फ। तो ये तो समथिंग डिवाइडेड जीरो, तो ये क्या आ जाएगा डैश। अब मेरे को बताओ कितना आएगा, दस डिवाइडेड वन दस, चौबीस डिवाइडेड टू बारह, इकतालीस डिवाइडेड तीन, पक्का 13.67 लिखने से कोई दिक्कत है। उसके बाद चौदह, देन फिर बारह ग्यारह दस नौ आठ, करेक्ट। ये देखो ये है आपका जगह। अब इस जगह में मैं कुछ कुछ जगह पे मार्क करूंगा, तुम लोग भी मार्क करेगा। सबसे पहले दो चीज ध्यान रखेगा, एमपी और टीपी का, किसका किसका, एमपी एंड टीपी, सिर्फ एमपी और टीपी देखो। तो एमपी का जो पॉइंट है 17, वहां पे एक मार्किंग करो,
एक दो पे मार्किंग करो, ठीक है, पढ़ना। उसके बाद टीपी पे मार्क करो, 41 पे एंड 90 पे। अब इस जगह पे एक पैटर्न तुम लोग को देखने को मिलेगा, यू कैन सी द पैटर्न हियर, हियर देयर इज अ पैटर्न प्रेजेंट। देखो बोर्ड पे, देखो अब स्क्रीन पे, देखो काम चलेगा। ये देखो मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, हर एक एक्स्ट्रा लेबर जो आ रहा है, द एडिशनल लेबर दैट आई एम एम्प्लॉइंग, हाउ मच दे आर मेकिंग कंट्रीब्यूशन इन द टोटल प्रोडक्ट, करेक्ट। तो हमको ये देखना है कि हर एक एडिशनल लेबर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है टोटल प्रोडक्ट में। मैंने क्या बोला था, अपना लॉ क्या बोलता है, अपना लॉ बोलता है कि एज यू इंक्रीजेस द वेरिएबल फैक्ट, इनिशियली योर टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेड एट इंक्रीजिंग रेट, देन कॉन्स्टेंट रेट, देन डिक्रीजिंग रेट, देन फॉल्स, करेक्ट। तो यही तो अब शुरू शुरू का देखो, ये जो पहला तुम लोग का जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये जगह को देखो, तुम्हारा जो एमपी है, पहला एमपी 0 था। देखो पहला एमपी कितना आया, 10। पहला लेबर ने कितना कंट्रीब्यूट किया, दूसरा, तीसरा, ये तीनों फेज क्या बता रहा है आपका, मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है कि डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। जब कोई चीज इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है तो आपका टीपी भी किस रेट से बढ़ेगा, इंक्रीजिंग रेट से। नाउ सी योर टीपी इज इंक्रीजिंग एट सेम इंक्रीजिंग रेट, देखो यहाँ पे इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। लेकिन इसके बाद देखो, इसके बाद क्या हो गया है, योर मार्जिनल प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग, क्या हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग। व्हाट डू मीन बाय मार्जिनल प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग, इसका मतलब क्या होता है, इसका साधारण सा मतलब होता है, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब हर एक एडिशनल लेबर में जब इंप्लॉय कर रहा हूं, दे कैन एबल टू प्रोड्यूस अ लेवल ऑफ आउटपुट लेस देन द प्रीवियस लेबर, प्रीवियस लेबर जितना बना रहा है उससे थोड़ा कम ही बना पा रहा है ये, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे जो चौथा लेबर को मैंने इंप्लॉय किया, उसने कितना प्रोडक्शन किया, 50। उसके बाद वाला, उसके बाद 8, 3, 4, 2, ऐसे देखो हर लेबर का क्या हो जा रहा है, कंट्रीब्यूशन क्या हो जा रहा है, कम हो रहा है। लेकिन आपका टोटल प्रोडक्ट क्या गिर जाएगा ना, टोटल प्रोडक्ट बढ़ते चलेगा। अब मेरा बात सुनो, जब आपका लेबर आप बढ़ाते जा रहे हो, यू आर इंक्रीजिंग योर लेबर, तो वो लोग प्रोडक्शन में तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, दे आर कंटिन्यूअसली कंट्रीब्यूटिंग इन टोटल प्रोडक्ट, हेंस टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग। अब देखो हर एक लेबर को अगर तुम लगा रहे हो, अगर वो एक एक करके भी बढ़ाता है, जिससे क्या होता है, तुम्हारा टोटल प्रोडक्ट चलते रहता है, आगे बढ़ता रहता है, करेक्ट। जिस तरीके से तुम लोग सोच सकते हैं, जब तुम लोग क्रिकेट देखता होगा, क्रिकेट में देखा होगा, तुम लोग देखो रन स्लो लो या ज्यादा तेजी से लो, तुम्हारा स्कोर बोर्ड क्या होता है, चलते रहता है। डिपेंड कहाँ करता है, रन रेट पे, किस पे, रन रेट पे। ये जो रन रेट होता है ना, रन रेट, ये तुम्हारा जो टीवी पे तुम लोग देखते ही होगा, रन रेट का एक तो कर्व आता है, जहां पे देखना कर्व का शेप कैसा बनता है, वो कौन डिपेंड कर, कहाँ डिसाइड होता है, वो रन रेट पे डिसाइडेड होता है। यही तो, जब रन रेट ज्यादा होता है तो तुम्हारा जो शेप ऊपर से चलता है, लेकिन जब रन रेट नीचे होता है तो नीचे से चलता है, करेक्ट। यहाँ पे भी यही अवस्था है। तो तुम्हारा जो कर्व बनता है टोटल प्रोडक्ट का, वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज पे, किस पे, रेट ऑफ चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, मतलब आप जब हर एक लेबर को बढ़ा रहे हो, उसका योगदान कैसा है, अगर उसका योगदान जिस हिसाब से होगा, आपका टोटल प्रोडक्ट का शेप उसी हिसाब से होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका मार्जिनल प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, लेकिन कंटिन्यूअसली डिक्रीज होने से भी क्या होगा, आपका टोटल प्रोडक्ट में तो क्या दिख रहा है, इंक्रीमेंट दिख रहा है, यस और नो। अब देखो यहां से तुम लोग अगर नोट करेगा, करीब करीब 2-0, देखो यहां तक 4 तक, वो 2 तक वो फॉल किया है, मार्जिनल प्रोडक्ट 2 तक फॉल किया, तब तक देखो ये चीज टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज किया है, यस और नो। लेकिन जो ही मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हुआ, आपका टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो गया। देखो इट इज योर मैक्सिमम प्रोडक्ट दैट यू कैन अचीव, जो आप मैक्सिमम अचीव कर सकते हो, क्या, जहां पे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो, 0 हो। लेकिन जो ही आपका मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हुआ तो क्या दिख रहा है सर, तो आपका टोटल प्रोडक्ट क्या होने लग गया, फॉल करने लग गया। बात समझ में आया, इतना एक बार इसका रिलेशन लिख लो, चलो आज इसका एक बार रिलेशन लिख ले।
रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एमपी। अब सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो क्या हो, सबसे पहला पॉइंट होता है व्हेन व्हेन एमपी इज इंक्रीजिंग, जब एमपी बढ़ता है टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। क्या बोले समझ में आया? व्हेन एमपी इज इंक्रीजिंग, जब आपका मार्जिन हर एक लेवल ज्यादा ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है तो आपका टोटल प्रोडक्ट तेजी से बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। अब सोच के देखो, अगर तुम्हारा पहला चार बैट्समैन कोई 100 बनाया, फिर 150 बनाया, 200 बनाया, 300 बनाया, 500 बनाया, तो इससे क्या होगा, ये पांचों बैट्समैन ने ज्यादा तेजी से रन जोड़ा होगा। लेकिन इसके बाद वाला जो बैट्समैन है बाकी का छह, अगर वो मैंने 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा नंबर जोड़ता है तो भी तो तुम्हारा स्कोर बोर्ड आगे बढ़ेगा। लेकिन क्या होगा, आपका तो स्कोर बोर्ड आगे बढ़ा लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया, फॉल करना शुरू। यही वाला बात तुमको बताना चाहिए। तो अब देखो ये तो बात समझ में आ गया होगा। दो नंबर पे पहुंचते हैं, व्हेन एमपी इज इंक्रीजिंग टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। उसके बाद लिखो व्हेन एमपी इज डिक्रीजिंग एंड पॉजिटिव, क्या है, फॉल कर रहा है लेकिन पॉजिटिव है, टीपी इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। अब तीन नंबर पे चलेंगे, व्हेन एमपी इज जीरो टीपी इज मैक्सिमम, करेक्ट। उसके बाद लास्ट, व्हेन एमपी इज नेगेटिव टीपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। हो गया, अच्छा समझ में आया। चलिए आइए, अब कुछ चीज आपको बताना है, इसका कर्व बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताओ, मैं सुन लो एक चीज बताओ, ध्यान से सुनना चीज, पहले देखेगा फिर बनाएगा, बनाने मत बैठ जाना नहीं तो फटका पड़ सकता है तुम्हें। देखो ये जो कर्व होता है, इस कर्व में मैं तुम लोगों को कुछ चीज बताने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले इस कर्व में सिर्फ दो ही एलिमेंट होंगे, देयर विल बी ओनली टू एलिमेंट्स, द फर्स्ट वन इज टीपी कर्व, सेकंड वन इज एमपी कर्व, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं होगा इसमें। ये आपका टीपी कर्व, देखो कैसा दिखता है, पूरा बाबा जी का ठुल्लू जैसा, हाँ कि ना बताओ, सच सच बताओ वो है कि नहीं। अब मेरे को इसमें तीन पोर्शन दिखाना है तुम लोग। नाउ सी, देयर आर थ्री डिफरेंट फेजेस, जो अभी तुम लोगों ने लॉ में पढ़ा है, तुमने रिलेशन देखा है तो क्या क्या देखा है, पहले टीपी किस रेट से इंक्रीज करता है, इंक्रीजिंग रेट, देन कॉन्स्टेंट रेट, देन डिक्रीजिंग रेट, देन मैक्सिमम करता है, उसके बाद धुंधना गिर जाता है, करेक्ट। यही तीनों फेज तुम लोग को यहाँ पे मार्क करके दिखाना है। ये देखो अच्छे से, ये जो पॉइंट्स है, ये वाला जो पॉइंट यहाँ पे, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया पे एक बार मार्किंग कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद ये वाला एक एरिया,
दिख रहा है? तो अब इस जगह पे मुझे तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करना है। ये तीन फेजेस बताता है तुम लोग को, तीन फेजेस। अच्छे से देखो इस पर, ये जो तीनों जहां जहां डार्क लाइन मिलाया हूं ना, ये तुम लोग को तीन फेज दिखाएगा। अब ये तीन फेज क्या है तुम लोग को ये जानना है। नाउ सी, यहां पे जो पहला जो लाइन, पहला जो पॉइंट आ रहा है हम लोग, फर्स्ट पॉइंट, ये जो ए वाला होता है, इसे ए नाम रख लेते हैं, इसका नाम बी रख लेते हैं और इसका नाम सी रख लेते हैं, करेक्ट। ये जो ए है, मतलब ओ से ए तक का जो कर्व का हिसाब है, वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन किस रेट से? इंक्रीज दूसरा वाला जो एरिया है ये कांस्टेंट है, और बी से सी जो एरिया है वो क्या है? और सी के बाद का जो एरिया है वो क्या है? बुझा क्या बोल रहे हैं? अभी तक का ये चीज समझ में आ रहा है? इस बार में क्या क्या चीज बताने का कोशिश है? अब इसी टीपी कर्व को देख के हम लोग को एमपी कर्व ड्रॉ करना है। अब देखो, टीपी कर्व जैसा है, एमपी भी वैसा ही आना चाहिए। अब मेरा बात सुनो, सबसे पहले ध्यान से सुनना। ये देखो, टीपी जब इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था, एमपी क्या था? देखो रिलेशन में देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन एमपी इज इंक्रीजिंग, टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। अब देखो इंक्रीजिंग रेट कहां तक है? पॉइंट ए तक है। तो मैं अगर यहां से इसको बनाना शुरू करूं, तो आई कैन सी मेरा पॉइंट यहां तक ये राइज करेगा, ठीक है? उसके बाद का चीज क्या होगा? उसके बाद ये सीधा फॉल करेगा, हाँ कि ना? देखो तो एक बार। और यहां से जो ये फॉल करना शुरू किया, ये इसका मिनिमम पॉइंट है, इसके बाद से ये सीधा का सीधा फॉल करेगा, यहां पे टच करेगा एकदम। बना रुक जा पहले। अब देखो ये है तुम लोग का डेरिवेशन, तुम टीपी को देख के एमपी कैसे बना सकते हैं। सबसे पहला चीज देखो, एमपी जो शुरू हो रहा है वो जीरो से नहीं है। देखो ऊपर एमपी, वाला कौन सा? ऊपर हाँ वाला कौन सा? टीपी कर्व है, रुक जा ना। ये रहा, ये आपका टीपी कर्व है, ये आपका एमपी कर्व है। इसका नाम है एक्स एक्स वाई वाई ओ। यहाँ पे आप मेजर कर रहे हो एमपी, यहाँ पे आप मेजर कर रहे हो टीपी, और इधर आप क्या मेजर कर रहे हो? इधर आप मेजर कर रहे हो लेबर। क्या नाउ सी, अब तुम लोग ध्यान से देखो, ये चीज को अब रिलेशन के साथ मैच कराओ। देखो तो मैच हो रहा है कि नहीं रिलेशन के साथ? देखो तो, देखो एमपी जब इंक्रीज कर रहा था, एमपी जब अपना मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचा, ये देखो ये वाला पॉइंट है, इंक्रीज था, तो ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था। जो ही ये कांस्टेंट हुआ तो भी ये बढ़ रहा था। अब सीधा सीधे देखो, व्हेन एमपी इज जीरो, देखो यहां पे जब एमपी जीरो हो रहा है, टीपी इज व्हाट? मैक्सिमम। एंड देन व्हेन एमपी फॉल किया, देखो टीपी डिक्लाइन करना शुरू कर गया, दिख रहा है? अब तुम लोग बोलेगा, सर ये जो टीपी का शेप है ऐसा क्यों है? बोलेगा ना, टीपी का शेप ऐसा क्यों है? स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं हुआ या सीधा कर्व क्यों नहीं हुआ? करेक्ट। अब देखो ये जो टीपी का कर्व है ना, यहाँ पे तुम लोग का जो फेजेस है, जब इंक्रीजिंग है, कांस्टेंट है, डिक्रीजिंग एंड डिक्लाइन है, तुम लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, इस जगह पे तुमको चार ग्राफ दिखेगा। देयर आर फोर डिफरेंट ग्राफ्स, ग्राफ का चार डिफरेंट ग्राफ्स का पैटर्न है, यहाँ फोर डिफरेंट ग्राफ्स का पैटर्न है इस जगह पे। देखो यहाँ पे ब्रेक ब्रेक करके हर एक ग्राफ का जो, हर एक फेस का जो ग्राफ बन रहा है, मतलब यहां से यहां तक का जो ग्राफ का शेप है वो अलग है, फिर यहां से यहां तक का जो अलग है, फिर यहां से यहां तक जो है अलग है, और यहां वाला अलग है। तुम लोग को अगर इस चीज को समझना है, तो देखो ये जो पहला वाला जो इंक्रीजिंग है ना, ये देखो कॉनवेक्स है। ये क्या है? कॉनवेक्स टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। देखो ये वाला कॉनवेक्स है हॉरिजॉन्टल एक्सिस का, ए से ओ से ए तक क्या है? ये कॉनवेक्स है हॉरिजॉन्टल एक्सिस का, लेकिन उसके बाद ए से बी देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है। यस और नो? देखो ए से बी क्या है? इट इज एन स्ट्रेट लाइन। लेकिन बी से सी तक देखो वो क्या बन जा रहा है? वो कॉनकेव लाइन बन जा रहा है। देखो करेक्ट है कि नहीं? और सी के बाद देखो ये डिक्लाइनिंग है, डाउनवर्ड डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसका मतलब क्या होता है कि एक चीज बढ़ रहा है, एक चीज घट रहा है,
और यही तो हो रहा है, लेबर बढ़ रहा है इस फेज में, ये वाला फेज में क्या हो रहा है, दो यू आर इंक्रीजिंग द लेबर बट योर टोटल प्रोडक्ट इज फॉलिंग, यही वाला चीज है। देखिए चार डिफरेंट शेप दिखा, अब तुम लोग पूछ सकते हैं ऐसा शेप क्यों बना, अब ये बताओ पहले। ये देखो ये चार डिफरेंट शेप को अगर मैं यहाँ पे बनाने का कोशिश करूँ तो यू कैन सी लाइक दिस, इसका कैसा कैसा शेप बना है, एक दो, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग पर्पस का बात है। ये देखो चार है अपना, वहां पर चार फेजेस हैं, एक जगह पे अपने को क्या मेजर करना है टीपी, और एक जगह पे लेबर, टीपी लेबर, टीपी लेबर, टीपी लेबर, करेक्ट, यही है ना अपना हिसाब। अब देखो सबसे पहला जो आपका शेप है वो कैसा है सर, वो है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या बना रहा है, कॉनकेव बना रहा है, क्या बना रहा है, कॉन्वेक्स बना रहा है, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स बना रहा है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, कॉन्वेक्स होता है तो ऐसे दिखता है। ये क्या रे पेन अंदर सही से ले चल गया, फिर से करेक्ट करता हूँ, ऐसा हो रहा है, इसका मतलब क्या है, देखो दे आर इंक्रीजिंग, देखो ये इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इंक्रीज का रेट देखो तुम, अगर इंक्रीज का रेट देखेगा शुरुआत में इतना बढ़ा, उसके बाद नाउ सी, अब तुम लोगों को फील हो रहा है कि इंक्रीमेंट तो हो रहा है, लेकिन इंक्रीमेंट देखो हर बार ज्यादा हो रहा है, कॉन्स्टेंट रेट से इंक्रीमेंट हो रहा है क्या, देखो तो हर बार ज्यादा हो रहा है, हर जो दूसरा लाइन बन रहा है वो बड़ा हो रहा है, इसका मतलब क्या है, हर एक लेबर दे आर कॉन्ट्रीब्यूशन, दे आर मेकिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन इन टोटल प्रोडक्ट, बट दे आर कॉन्ट्रीब्यूशन आर ग्रेटर देन द प्रीवियस वन, यस और नो, यही बताना है ना। जब ऐसा शेप बनता है, जब मार्जिनल प्रोडक्ट आपका ऐसा होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पर टोटल प्रोडक्ट का शेप ऐसा बनता है, बात समझ में आया क्या बोले खोपड़ी माया वाला बात, ये किस हिसाब से है, इंक्रीजिंग है इसीलिए ऐसा बना। अब अगर मानो वो कांस्टेंट है दूसरा वाला फेज में, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है सर, कांस्टेंट का मतलब स्ट्रेट लाइन होता है, वो क्या होगा पता है, हमेशा सेम रहेगा, क्या होगा सेम, तुम लोग बोलेगा सेम क्यों सर, यस वो सेम बनेगा यहां पे, रुक जाए एक मिनट, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से बना देता हूँ, ठीक है। ये देखो यहां पे जो कौन, ये जो कर्व है ये क्या हो रहा है, ये सेम रह रहा है, देखो इसमें जो चेंज आ रहा है वो कैसा बन रहा है, देखो आपका जो ये वाला चेंज है और ये वाला चेंज है, देखो बार-बार बराबर होगा हर बार, देखो यहां पे आपका जो चेंज आ रहा है, यहां पे जो चेंज आ रहा है वो बराबर आ रहा है, देखो सी, ऐसा क्यों, यहां का मतलब हो रहा है कि आपका लेबर में जितना इंक्रीमेंट हो रहा है उतना ही से आपका क्या बढ़ रहा है, टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है, अगर आप लेबर 10% से बढ़ा रहे हो आपका टोटल टोटल प्रोडक्ट भी किससे बढ़ रहा है, 10 से ही बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कॉन्स्टेंट रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। अब तीसरा वाला जो फेज है उसमें क्या हो रहा है, ये चीज ऐसे बढ़ रहा है, देखो ऐसे, इसका मतलब क्या है, ये अब देखो यहां पे जो इंक्रीमेंट हो रहा था वो क्या हो गया, रुक गया ना, ये देखो आपका जो इंक्रीमेंट शुरू में ज्यादा ज्यादा हो रहा था, अभी देखो डिक्रीज हो गया ना, देखो मिल गया टोटल का टोटल, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां पे जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो कैसा हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट पे हो रहा है, समझ में आया। और लास्ट वाला क्या हो रहा है सर, ये फॉल्स, खोपड़ी में आ गया बात पूरा, देख लो यही है चार आपका, अब इस चारों को जोड़ेगा तो तुमको ये वाला कर्व मिल जाएगा, जिसमें ये तुम लोग का फर्स्ट है, ये वाला फर्स्ट ग्राफ फर्स्ट पोर्शन है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये ब्रेक करके दिखा रहा हूं, देख लो नाउ सी, अब विजिबिलिटी दिख रहा है तुम लोग को, अब समझ में आ रहा है पूरा चीज, ये चारों चीज समझ में आ रहा है तुम लोग को, चलो एक बार इसको बना लो जल्दी से, कर्व बनाया था तुम लोग, बना ले कर्व, बना ले,
चल 2 मिनट देता हूँ, जल्दी से इसको बना।
तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। इतना काम हो गया तुम लोग का, ये वाला देख के समझ में आ गया है कैसा कैसा चीज चल रहा है। अब तुम लोग को एक चीज और सिखाऊंगा। अब ये चीज जो है ये कुछ इस तरीके का है। देखो अब इसमें ना इस कर्व में मैं एक और कर्व ऐड कर रहा हूँ। देखो इसी में एक लाइन और ऐड कर रहा हूँ, इस लाइन को ध्यान से देखना। अभी टीपीएमपी का रिलेशन दिख गया तो समझ में आ गया टीपीएमपी का रिलेशन में कोई दिक्कत है। जब एमपी इंक्रीजिंग है तो टीपी भी इंक्रीजिंग है लेकिन इंक्रीजिंग रेट पे। जब एमपी पॉजिटिव है लेकिन फॉलिंग है तो टीपी इज इंक्रीजिंग है, लेकिन जब एमपी जीरो हो गया तो टीपी क्या हो गया? मैक्सिमम। जब एमपी नेगेटिव हो गया तो टीपी फॉलिंग हो गया, करेक्ट? ये वाला चीज समझ में आया? टोटल प्रोडक्ट का लाइन से चलेगा ये वाला। अब अपने लोग जो करेंगे उसका नाम क्या पता है? उसका नाम है अपना क्या नाम है? एवरेज प्रोडक्ट का कर्व। और एवरेज प्रोडक्ट का कर्व जो होता है ना वहीं से शुरू होता है जहां से ये शुरू होता है। कहाँ गया? एक मिनट रुक जा, थोड़ा डिस्प्यूट हो गया शायद, तो बड़ा बनना पड़ेगा। अब आ गया, आ गया। हाँ ये थोड़ा ज्यादा ही पतला हो गया लगता है। ये लो, ये जो कर्व है ये एपी कर्व है। क्या है? एपी कर्व है। देखो तो एपी कर्व क्या दिखा रहा है? एपी कर्व है कुछ देखो। रुक जाए एक मिनट, कुछ गड़बड़। एक मिनट रुको, बनाना नहीं। बना लिया? वेट, यहाँ पे एक चीज मेरे को करना पड़ेगा। यहाँ पे चीज कुछ इस तरीके का है कि इस जगह पे तुम उड़ जाओ यार, इसको ठीक से बनाना पड़ेगा थोड़ा। नहीं ले, अब बना ले। मेरा कर में अगर गड़बड़ हो गया फिर बवाल हो जाएगा। एक बार मैं कर बना के फिर तुम लोगों को दूसरा कर के दिखा। बना ले इसको, बना ले। अब देख यहाँ पे जो कर है, यहाँ पे देखो ये कर जो है ये एपी का कर है। किसका है? एपी। अब अपने लोग जो बात करेंगे एपी एमपी का करेंगे, सिर्फ एपी एमपी। देखो तो एपी और एमपी में क्या रिलेशन है, ध्यान से देख के बताना। यहाँ पे सिर्फ तीन ही चीज देखना और कुछ नहीं देखना है। देखो जब एपी राइज कर रहा है तो एमपी भी राइज कर रहा है। देखो तो जब एपी राइस कर रहा है तो एमपी राइस कर रहा है, नहीं तो मैं इसको ऐसे बता सकता हूं। देखो तो जब तक एमपी इज ग्रेटर देन एपी, देखो तो अच्छे। देखो तो ये दो कर्व को देखो, सिर्फ ये वाला एरिया को देखना, लाल कूड़ा होता है। ओह माय गॉड, ये तो गलत भी हो गया। ठीक है रहने दो, उड़ा उड़ जाएगा ये तो। ठीक है रहने दो। अब देखिए, देखो जहां तक लाल वाला रंग यूज किया ना, यहाँ से यहां तक का पॉइंट पे, ये दोनों पॉइंट पे देखो तुम लोग अच्छे देखो तो यहाँ पे एपी और एमपी दोनों राइज कर रहा है, दोनों राइज कर रहा है। तो लेकिन इस फेज पे एक चीज नोट किया है तुम, यहाँ पे दैट इज एमपी इज ग्रेटर देन एपी, करेक्ट? उसके बाद देखो ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या अवस्था है? एमपी इज इक्वल टू एपी। और उसके बाद देखो जब एमपी और एपी दोनों ही फॉल कर रहा है, देखो ये वाला फेस जब दोनों फॉल कर रहा है, इस जगह पे क्या अवस्था है? इस जगह पे सर अवस्था ये है, एमपी इज लेस देन, एमपी इज लेस देन एपी। देखो तो ऐसा है क्या?
देखो ये चीज दिख रहा है तुम लोग को, विजिबल है ये वाला ग्राफ में, देखो तो ये विजिबल है ये तीनों स्टेट जो जो बात कर रहा हूं, ठीक है। अब इसी चीज को इंग्लिश में लिखना है, अब ये वाला चीज को एक बार लिख ले, सबसे पहला क्या था ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो इसको ऐसे कुछ तरीके से लिख सकते हो, देखो तो वेन एमपी इज ग्रेटर देन एपी, एपी इज राइजिंग, वेन एमपी इज इक्वल्स टू एपी, एपी इज मैक्सिमम व्हेन एमपी इज लेस देन एपी, एपी इज फॉलिंग चौथा, एमपी कैन बी नेगेटिव, एपी कैन नॉट बी नेगेटिव। एपी नेगेटिव हो सकता है, सोच के बताओ तो, एवरेज प्रोडक्ट कभी नेगेटिव हो सकता है? अभी भी नहीं। पहले लिख लो उसके बाद, हो गया पांचवा नंबर। एमपी रीचेस मैक्सिमम बिफोर एपी रीचेस मैक्सिमम, बिफोर एपी ओ ठीक है देख ले। देखो एमपी रीचेस मैक्सिमम बिफोर एपी रीच मैक्सिमम, एमपी पहले मैक्सिमम पे पहुंचता है एपी से। अब देखो यहाँ कर्व में देख लो, सबसे पहला मैक्सिमम पे कौन पहुंचा है, ये रहा एपी, इसके बाद समझ में ना। देख अब एक बार कर्व से भी मिला ले, सारा चीज मिल रहा है कि नहीं, यही तुम्हारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, यही तुम्हारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। इसके बाद हम लोग करेंगे रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, हो गया। देख मन में कोई डाउट वाउट शंका वंका है तो बजाओ, ये वाला काम अपना हो चुका इतना तक, सारा चीज ध्यान से लिखा है तुम लोग। अब चलिए आते हैं, अब कॉन्सेप्ट नंबर क्या होगा। देखो ये जो एलबीपी था कहां पे रन हो रहा था, शॉर्ट रन में ना, शॉर्ट रन में रन किया ना। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है पता है? दोनों ही इंक्रीज डिक्रीज होगा लेकिन सेम प्रोपोर्शन में हो। कॉन्सेप्ट 5 यही तो लिखो, स्केल ऑफ प्रोडक्शन या रिटर्न टू स्केल, एक बार लिख लो रिटर्न टू स्केल, और इसका दूसरा नाम है, नहीं रहने दो, स्केल स्केल टू रिटर्न ही ले, रिटर्न टू स्केल लिख के छोड़ देते हैं, बाकी जो होगा देखेंगे बाद में, रिटर्न टू स्केल रखते हैं।
अब सबसे पहले मेरे को ये बताओ, रिटर्न टू स्केल में तुम लोग ये सब बता सकते हैं? रिटर्न का मतलब क्या होता है, स्केल का मतलब क्या होता है? रिटर्न स्केल का मतलब, अब सबसे पहले रिटर्न का मतलब समझना है। द टर्म रिटर्न मीन्स होता है आउटपुट। हम लोग पढ़े हैं इसको, कहां पे बताओ? एपी में लिखे थे ना, ए आर, एपी, एपीपी, ए आर, टीपी, टीपीपी, टी आर। रिटर्न का मतलब क्या होता है? आउटपुट, कितना आउटपुट आपको मिल जाता है। और स्केल का मतलब क्या होता है? स्केल का मतलब होता है लेवल ऑफ प्रोडक्शन। क्या? लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अब लेवल ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? लेवल ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है जहां पे आपका, लेवल ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है जहां पे आप प्रोपोर्शनल चेंज करते हो। लेवल ऑफ प्रोडक्शन का मतलब, लेवल ऑफ प्रोडक्शन को आप बदलते कैसे हो? लेवल ऑफ प्रोडक्शन, इट कैन बी चेंज्ड बाई चेंजिंग ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन ये तो पता ही होगा। लेवल ऑफ प्रोडक्शन के बोले तो क्या होता है? अब देखो, लेवल ऑफ प्रोडक्शन बोले तो देखो, जब तुम लोगों का कोई कंपनी होता है, सुनो, व्हेनेवर यू हैव एनी काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, तो आप क्या हमेशा का फुल कैपेसिटी पे रन करते हो? अगर इस चीज को समझना है, इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री। ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री बताए, बस, तुम लोग बस में ट्रेवल करता ही होगा। अपने यहाँ पे जो बस ट्रैवल करता है, अपने यहाँ पे क्या होता है, हर एक रूट का अलग अलग बस का नंबर है। हर एक तो कौन सा जगह से कहाँ बस जाएगा, उसके लिए सब जगह पे अलग अलग बस नंबर दिए हुए हैं। अब तुम सोच के देखो, सारा दिन में वो बस क्या फुल्ली ऑक्यूपाइड रहता है? सोच के देखो, अगर एक ही बस को तुम लोग कंसिडर करो, टेक ओनली वन बस जो सबके लिए फेवरेबल हो। मान लेते हैं एक तो बस उठाते हैं जो गोरिया से आता है स्प्लेनेट जाता है, ठीक है ना, गोड़िया से हटाओ, गोड़िया से हावड़ा जा, ठीक है, गोड़िया से हावड़ा स्टेट बस या कोई भी पब्लिक बस। सोच के देखो, वो क्या सारा दिन ही फुल्ली ऑक्यूपाइड रहता है? जब वो फुल्ली ऑक्यूपाइड रहेगा, इसका मतलब क्या है पता है? वो अपने 100% कैपेसिटी पे रन कर, इसका मतलब ये होता है। समझ में आ रहा है क्या बोले? अगर वो 100% ऑक्यूपाइड होता है, तो इसका मतलब क्या है? वो 100% कैपेसिटी पे रन कर। अब तुम सोच के बताओ, ये क्या पॉसिबल है हम लोग के यहाँ पे कि एक बस 100% कैपेसिटी पे रन करे? है यहाँ पे? तो मेट्रो ही देख लो, हमेशा सारा दिन हम बोले ये हम तो बोले सारा दिन रहता है। सोच के देखो, स्टैंडिंग अगर अलाउड नहीं है तो सारा दिन रहेगा? सोच के देखो ना, सुबह 4 बजे जब वो बस खुलता है तो उसका क्या ऑक्यूपेंसी 100% होगा? रात को जब 11 बजे वो वापस आता है तो क्या 100% होगा? दोपहर को जब वो रन कर रहा है तो उसका 100% ऑक्यूपेंसी होगा? सोच के देखो। अब देखो, जो पर्टिकुलर टाइम जो तुम लोग बोल रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं पीक टाइम। जनरली पीक टाइम पे हर बस ओवरलोडेड है, ओवरक्राउडेड है, करेक्ट? लेकिन उसके बाद क्या 100% कैपेसिटी रहता है लोग का? नहीं। तो अगर तुम लोग एवरेज निकालेगा, यू कैन सी एक दिन में कोई भी गाड़ी 100% कैपेसिटी पे रन ही नहीं करता। अगर तुम लोग चेक करेगा, यू कैन सी कि एक दिन में कोई भी गाड़ी 100% कैपेसिटी पे रन नहीं करता। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो उसी तरीके से जब कोई बिजनेस आदमी शुरू करता है, क्या शुरू शुरू में 100% कैपेसिटी पे पहुंच जाता है? धीरे धीरे जाता है। पहले राउंड में वो देखता है कि भाई हम रन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। पहले अगर तुम लोग को अगर इस चीज को समझना है, तो एकदम सिंपल सा दुकान बोलते हैं आलू चौप। यहाँ पे जो है बंगाल का फेमस है, यही तो आलू चौप, जो आलू का भजिया वजिया सब बनता है। अब देखो, यहाँ पे सोचो तुम लोग, अगर आलू चौप का दुकान अगर खोलता है, एग्जाम्पल का बात कर,
अब तुम लोग यहाँ पे अगर दुकान खोलता है, अगर पहले राउंड पे तुमका 20 किलो बेसन मैला मिला के बैठ जाएगा या 20 किलो आलू ला के देख लेगा ना, पहले राउंड पे क्या करेगा? जब तुम लोग पहली बार अपना दुकान खोलेगा तो वहां पे क्या होगा सर? वहां पे सबसे पहले थोड़ा थोड़ा शुरुआत क्या होगा? थोड़ा होगा, 2 किलो 3 किलो लेके बैठेंगे, देखेंगे कि किस तरीके का रिस्पॉन्स। जैसा जैसा रिस्पॉन्स आएगा, हम लोग अपना प्रोडक्शन लेवल को उस हिसाब से क्या करेंगे? चेंज करते चलेंगे। करेक्ट है कि नहीं? यही वाला होता है ना। अब सोच के देखो, जब तुम लोग अपना सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, मानो तुमने एक स्टोव खरीदा, एक स्टोव लगेगा, गैस ओवन जो भी बोलते हैं उसको, उसके बाद बर्तन वगैरह, 2 लेबर, बाकी काम लेके शुरू किया। अब तुम लोग देख रहे हैं कि बाय यूजिंग ऑल दिस थिंग्स आई कैन मैक्स टू मैक्स मैं कितना बना सकता हूँ, ये सब डेटा लेके मेरे पास जो भी क्या बोलते हैं एलिमेंट्स हैं, कॉम्पोनेंट्स हैं, जो भी चीज है मेरे पास, उसको यूज करके मैं एक दिन में 50 किलो तक मैक्सिमम सेल कर सकता हूँ। मैं 50 किलो रॉ मटेरियल, दैट इज 50 किलो आलू का मैं भजिया बना के बेच सकता हूँ। करेक्ट, ये मैं देख पा। अब सोच के बताओ, क्या तुम पहला दिन में 50 किलो माल बना देगा? कैसे चलेगा? धीरे धीरे चलेगा ना, पहले 5 किलो 2 किलो, उसके बाद बढ़ते चलेंगे, जिस तरीके से ऑक्युपेंसी आएगा हम लोग बढ़ाते चलेंगे। नाउ सी, ये जो पहला राउंड का जो तुम लोग कैपेसिटी देखा, पहला राउंड का जो कैपेसिटी देखा, जो तुम लोग का 50 किलो का कैपेसिटी है, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट रन। ये क्या है? शॉर्ट रन। यहाँ पे आप अपना कैपेसिटी को एडजस्ट कैसे कर रहे हो? आप क्या नया स्टोव खरीद के लाओगे, नया बर्तन खरीद के लाओगे? नो, वट एवर यू हैव यू आर गोइंग टू यूज दैट, बट यू विल चेंज योर लेबर एफर्ट। आप लोग लेबर का एफर्ट बढ़ाओगे, पहले पार्ट टाइम में लेबर रखते थे, फुल टाइम में लेबर रखना शुरू कर दोगे। करेक्ट, इससे क्या होगा? आप 5 किलो से 50 किलो तक मैक्स टू मैक्स शिफ्ट कर पाओगे। करेक्ट, लेकिन जब तुम लोगों ने देखा कि आपका सेल इज गोइंग बियॉन्ड योर कंट्रोल, तब क्या करेगा? नाउ यू विल सी, अब मेरा तो कैपेसिटी 50 किलो का नहीं है सर, मेरे को तो 100 किलो माल बनाना पड़ेगा। करेक्ट, 100 किलो का आलू का भजिया तुम लोग बेच सकते हैं एक दिन में। नाउ सी, अब क्या करेगा यहाँ? वट कैन यू डू? यहां से जो चीज है, जब तुम 50 किलो वाला जगह पे ही रहे, 100 किलो का माल बढ़ाने जाएगा, यू कैन सी तुम्हारा यहाँ पे खर्चा बढ़ने लगेगा। क्या होगा? खर्चा बढ़ने लगेगा। सोच के देखो, एक स्टोव में तुम मैक्स टू मैक्स उतना ही सामान बना सकते हैं जितना बनाने की कोशिश होगा। जल्दबाजी करेगा तुम लोग, करेक्ट है कि नहीं? जब तुम लोग जल्दबाजी करेगा, यू कैन सी तुम्हारा कस्टमर तुम्हारे हाथ से निकल जा रहा है, क्योंकि तुम्हारा वेटिंग टाइम बढ़ जाएगा। करेक्ट, कस्टमर आके खड़ा हुआ, तुम माल सर्व नहीं कर, या जल्दबाजी में तुम लोग का लेबर धक्का मुक्की कर रहा है, झगड़ा कर, जल्दबाजी में हाथ जला लिया, वो पैर गिला लिया, हो सकता है ये सब काम। सोच के देखो, जब तुम्हारे पास कैपेसिटी 50 किलो का है और तुम 100 किलो का माल बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है सर? वहां पे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आपका कॉस्टिंग बढ़ गया है, वहां पे ब्रेकडाउन ज्यादा होगा, जल्दी जल्दी काम करने का चक्कर में 12 बजे के रख देगा, जल्दीबाजी में हम लोग लॉस कर रहे हैं बैठे बैठे। करेक्ट है कि नहीं? तो वो चीज को हैंडल कैसे किया जाएगा? तो सर वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? अपना सेटअप वापस से चेंज करना, यू हैव टू चेंज योर सेटअप। आपका जो एलिमेंट्स है, आपका जो मशीनरी है, आपका जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो क्या करोगे? डबल कर दोगे। करेक्ट, एक ओवन के बदले 2 ओवन बैठा दोगे, एक लेबर के बदले 2 लेबर बैठा दोगे। नाउ सी, अब आप आराम से मैनेज कर पा रहे हो सारा चीज। करेक्ट, अब आपका लेबर बढ़ गया है, फिक्स एसेट बढ़ गया है, नाउ यू कैन रिस्पॉन्ड टू योर डिमांड। आराम से अपना प्रोडक्शन को मना चला सकते हो। समझ में आ रहा है किस तरीके से शिफ्ट हुआ? शॉर्ट रन से लॉन्ग रन में आया, लेकिन लॉन्ग रन में शिफ्ट कैसे हुआ? अब लॉन्ग रन में कैसे है? जब आप कुछ सब कुछ बदल दिया आपको, बात समझ में आ रहा है? इसे क्या बोलते हैं? इसे लॉन्ग रन बोलते हैं। अब देखो, ये लॉन्ग रन का प्रोडक्शन लेवल आपने कैसे बदला? देखो ये वाला लाइन मिल रहा है क्या? इट कैन बी चेंज बाई चेंजिंग ऑल फैक्टर्स इन द प्रोडक्शन इन सेम प्रोपोर्शन। देखो, तुमने एक मशीन से एक स्टोव से दूसरा 2 स्टोव कर लिया, लेवर को 1 से 2 कर लिया, इसका मतलब क्या है? 100% का इंक्रीमेंट किया है, फिक्स्ड में भी और वेरिएबल फैक्टर में भी। तो मतलब एक्चुअली वहां पे फिक्स्ड कोई है ही नहीं, ऑल फैक्टर्स आर चेंज इन द सेम। बात समझ में आ गया? इससे क्या होता है? आपका क्या हो गया? स्केल अप हो गया। क्या हो गया? स्केल अप हो गया। अब मैं एक बात बताता हूँ, सुनो, तुम लोग एक बात सुनो। अगर मैं हर बार सुन को देखो, एक बार बताओ, जब तुम अपना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को सेम प्रोपोर्शन में बार बार इंक्रीज करेगा, तो तुम्हारा प्रोडक्शन क्या बार बार ही बढ़ेगा? सोच के देखो, मैंने जब 1 स्टोव से 2 स्टोव किया, 1 लेवर से 2 लेवर किया, मेरा प्रोडक्शन 100 हो गया। मैं इसी आशा में और एक कर लिया, मैंने ना इस बार 4 बढ़ा दिया, तो क्या मेरा सेल 200 किलो का हो जाएगा?
सोच के देखो, हो सकता है क्या? कभी भी नहीं हो सकता। तो यहाँ इसी के कारण से, इसी के कारण ये लॉ बना है यहाँ पे, यही कारण से एक लॉ बना है यहाँ पे। लॉ ये बताता है यहाँ पे क्या होता है, रिटर्न टू स्केल। नाम क्या है? रिटर्न टू स्केल। जब आप स्केल को बदलते हो तो उस स्केल का जो बदलाव होता है, व्हाट एवर चेंजेस यू हैव मेड इन योर स्केल, इन रिस्पॉन्स टू दोज चेंजेस व्हाट काइंड ऑफ रिटर्न यू आर गेटिंग। द रिटर्न में भी इंक्रीजिंग इन नेचर, द रिटर्न में भी डिक्रीजिंग इन नेचर, और इट में भी इक्वल टू द रिटर्न। जो रिटर्न हो सकता है वो चेंज के बराबर भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। यही वाला बात हम तुमको बता। अब देखो, तुम लोग पहली बार केस क्या था, हम जो बता रहे थे ध्यान से सुने। मैंने अपना सारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को 100% से बढ़ाया, ठीक है? मैंने अपना सारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को 100% से बढ़ाया, तो क्या मेरा सेल जो है, आउटपुट जो है, मेरा जो आउटपुट जो होगा वो क्या 100% से बढ़ेगा? यस, बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यह भी हो सकता है कि वो 120% से बढ़ जाए, यह भी हो सकता है कि वो 80% से बढ़े। यस और नो? वो 80% से भी बढ़े, हो सकता है। और यही वाला चीज में क्या आता है पता है, यहाँ पे वापस से आप लोग को क्या दिखता है, जब आपका सेल बढ़ता है ना, अब सोच के देखो, जब तुम अपना दुकान का साइज बढ़ाता है, जब तुम अपना दुकान का साइज बढ़ाता है तो दिक्कत कहाँ पे आता है? देखो, शुरू शुरू में खर्चा बढ़ता नहीं है, ध्यान से देखो। शुरू शुरू में जब तुम अपना प्रोडक्शन को एक्सपेंड करेगा ना, तुम्हें कुछ फायदा मिलता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो फायदा नुकसान में बदल जाता है। जैसे देखो, शुरुआती दौर पे तुमने देखा कि तुम 10 किलो माल बना रहा था, करेक्ट? जब तुम 10 किलो माल बना रहा था तो तुम जो माल खरीद रहा था, आलू जो खरीद रहा था, वो किसका कॉस्टिंग ज्यादा बढ़ रहा। लेकिन जो ही तुमने वो माल 50 किलो खरीदना शुरू किया, 100 किलो खरीदना शुरू किया, नाउ यू कैन अवेल दिस गुड्स एट अ लोअर कॉस्ट, फायदा मिला, समझ में आ रहा है? अब जब तुम 100 किलो का माल बनाना शुरू किया है, तो तुम यहाँ पे देख सकता है कि तुम अच्छा मशीन, अच्छा बर्तन, अच्छा स्टोव वगैरह भी यूज कर रहा है, जिससे तुम्हारा तेल का भी सेफ्टी हो रहा है, करेक्ट? अब यहाँ पे तुमको जो माल लेने के लिए पैसा का जो जरूरत हो रहा है, तुम हाइयर लोन उठा रहे हो, जो लोन तुम ज्यादा उठाएगा तो रेट भी कम हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? फायदा मिल रहा है ना, यही वाला बात बोल रहे। एक पॉइंट तक शुरू में फायदा मिलेगा, लेकिन उसके बाद वो क्या हो जाएगा, नुकसान होना शुरू। अब देख, ये वाला प्रोडक्शन था आपका स्केल के बारे में, रिटर्न के बारे में, रिटर्न टू स्केल के बारे में। ये वाला बात रफ में समझ में आया? अभी चुप दुकान खोल के समझ में आया? अब चलिए भजिया तलते हैं हम लोग। अब अपने लोग थोड़ा इंग्लिश में लिख लेते हैं। सबसे पहले स्केल ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है वो लिख लो एक बार। स्केल ऑफ प्रोडक्शन, क्या नाम है? स्केल ऑफ प्रोडक्शन। तो चलिए, स्केल ऑफ प्रोडक्शन में जब हम लोग चलेंगे, तो वहां पे सबसे पहले लिखो, व्हेन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर चेंज्ड। लिखो एक बार, व्हेन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, व्हेन ऑल फैक्टर्स ऑफ, FOP लिख रहा हूँ, हाँ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर चेंज्ड, इन इक्वल प्रोपोर्शन, इट इज कॉल्ड चेंज इन, चेंज ऑफ स्केल ऑफ प्रोडक्शन या चेंज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन, चेंज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है? हाँ?
वेरिफिकेशन और एरर चैप्टर कंप्लीट हो गया है। वेरिफिकेशन एरर है डाउट्स, एक मिनट रुक जा, सामने को मुझे सामने को क्या सामने तो बाकी के बाकी सब हो गया ना। देख ये वाला लिख लिया, जितना जो कहानी अभी तुम लोग को एक्सप्लेन किए हैं वही वाला कहानी को इंग्लिश में यहाँ लिखा दिया, देख ले एक बार जल्दी से लिख। चलो आगे बढ़ते हैं वापस से। है 20 मिनट और है। अब आ जा, अब तुम लोग यहाँ पे सीधा सीधी बात करते हैं, ये वाला जो बात यहाँ पे लिखाए थे यही वाला चीज को अब यहाँ पे अच्छे से लिखाते हैं। ये देखो अब बात होता है रिटर्न टू स्केल का। ये जो रिटर्न टू स्केल जो होता है मतलब आपने जब प्रोडक्शन में चेंज किया तो आपका रिटर्न में जो चेंज आएगा वो कैसे आ सकता है। अब जो रिटर्न टू स्केल हो सकता है वो कुछ नहीं हो सकता है, मतलब वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हो सकता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल या कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, अब देखो इसी को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं IRS CRS DRS। क्रिकेट वाला नहीं, डिसीजन रिव्यू सिस्टम नहीं है ये, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। जल्दी से लिखो फिर बताते हैं क्या होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है। अब देखो इसमें सबसे पहला क्या आएगा, IRS। IRS का मतलब क्या होता है, बस तुम लोग लिख लेगा यहां पे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या होता है, चलो इसको इंग्लिश में आप लिखते हैं, आ जाओ इसका मतलब होता है परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट। ये देखो ऐसा होता है, तो
percentage change in all input is less than percentage change in output. अब तुम लोग बोलेगा सर इसका एग्जाम्पल बताओ. ये देखो इसका एग्जाम्पल ऐसे है, मान लेते हैं हम लोग इधर इनपुट मेजर कर रहे हैं और इधर आउटपुट. अब देखो मेरे पास पहले का जो कॉम्बिनेशन था ओरिजिनल, वो लेबर 5 था, कैपिटल या मशीन जिसे बोलते हैं वो 3 था, और बाय यूजिंग दिस आई कैन प्रोड्यूस आउटपुट ऑफ 50 यूनिट्स. मैं कितना यूनिट्स बना सकता था? नाउ मैंने क्या किया, इंक्रीमेंट किया और लेबर को मैंने क्या कर दिया, 10 कर दिया, और कैपिटल को मैंने 6 कर दिया, और मेरा जो आउटपुट है ना वो कितना हो गया पता है, 120 यूनिट्स हो गया. 120 के बदले 150 कर लूं तो ज्यादा सुविधा होगा क्या? रुक जाओ, 120 के बदले मैं 150 कर लेता हूँ तो मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सुविधा वाला रहे. 150 यूनिट्स हो गया, ठीक है. अब तुम लोग अगर देखेगा यहाँ पे जो इंक्रीमेंट आया है, परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है, करीब करीब 100% का इंक्रीज हुआ है. लेकिन यहाँ पे जो इंक्रीज आया है वो कितना आया है, मेरे हिसाब से 200% का इंक्रीज है. देखो अब देखो वही चीज तो लिखा हुआ है, तो परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन इनपुट. इनपुट में जितना चेंज आ रहा है उससे ज्यादा चेंज किस में आएगा, तो इस केस में ऐसा फेज बनता है. इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. अब तुम लोग बोलेगा सर इसका रीजन क्या है, इसका जो रीजन है ना, शुरुआती दौर पे जब आप अपना प्रोडक्शन को स्केल अप करते हो, व्हेन यू स्केल अप योर प्रोडक्शन, शुरुआती दौर पे आपको फायदा मिलता है किस चीज का, इकोनॉमीज ऑफ स्केल. देखो क्या लिखा हुआ, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल. अब कोई बता सकते हैं इकोनॉमीज का मतलब क्या होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब पता है इंग्लिश में, डू यू नो द मीनिंग ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल? अगर 11 12 में थोड़ा ठीक से पढ़ाई किया हुआ तो काम हो जाएगा, नहीं पढ़ा. इकोनॉमीज का मतलब होता है एडवांटेजेस. और डिस इकोनॉमिक्स का अब देखो, जब तुम प्रोडक्शन को बढ़ाता है तो कुछ फायदा होता है तो कुछ नुकसान भी होता है. जब फायदा ज्यादा और नुकसान कम हो तो क्या होगा, प्रॉफिट नहीं, तब आपका प्रोडक्शन आउटपुट ज्यादा होगा, तब आपका आउटपुट क्या होगा, ज्यादा होगा. इन टर्म्स ऑफ आउटपुट यू विल सी एडवांटेज. अब तुम बोलेगा एडवांटेजेस क्या क्या होता है सर, सबसे पहले ये बताओ, आप जब प्रोडक्शन को बढ़ाते हो तो आपका फायदा कहाँ कहाँ दिखता है? सबसे पहला फायदा होता है टेक्नोलॉजी में. कहाँ पे? टेक्निकल. टेक्निकल एडवांटेज हो सकता है, मतलब जब तुम अपना प्रोडक्शन को स्केल अप करता है तो हो सकता है तुम पुराना मशीन के बदले नया मशीन यूज करो और जो क्या हो, ज्यादा टेक्निकल हो, ज्यादा अच्छा हो. बात समझ वाले क्या बोल रहे हैं, पहले अपने लोग काम करने के लिए छोटा लैपटॉप यूज करते हैं, लेकिन जब से जब जब काम बढ़ाना शुरू हो गया तो अपने लोग क्या करने, अब लैपटॉप तो लेते हैं लेकिन क्या हो, इसमें रैम वैम बढ़ा लेते हैं, स्टोरेज बढ़ जाता है, जैसे नो ये तो होता है ना हिसाब. जब तुम्हारा काम बढ़ता है तो तुम लोग क्या करता है, सेम तो कंप्यूटर लेते हैं, सेम कंप्यूटर लेके काम करता है कि उसमें कुछ चीज बढ़ता है, टेक्निकल फायदा मिलना शुरू, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्निकल एडवांटेज. समझ में आया? अब टेक्निकल एडवांटेजेस जब होता है तो इससे क्या होता है पता है, इसमें आपका आउटपुट ज्यादा आता है. क्या आउटपुट बढ़ जाता है और वेस्टेज कम हो जाता है. क्या कम हो जाता है? वेस्टेज. आउटपुट बढ़ गया, वेस्टेज कम हो गया. बात समझ में आ गया? इसके अलावा कुछ और फायदा मिलता होगा? हाँ सर, फाइनेंशियल फायदा मिलता है.
फाइनेंशियल एडवांटेजेस। अब तुम लोग बोलो फाइनेंशियल एडवांटेज क्या होगा तुम्हारा? ज्यादा इनकम नहीं। फाइनेंशियल एडवांटेज में क्या होता है, तुम लोग का हायर डिस्काउंट मिलता होगा, हायर डिस्काउंट होगा। जब तुम लोग अपना सेल परचेज ज्यादा करेगा तो डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा, यस और नो? इसके अलावा तुम्हारा जो फंड जो तुम लोग रेज करता है, फंड रेज करता है जो है, वो क्या हो जाएगा? फंड एट लोअर इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद और कुछ हो सकता है? यस सर, और भी हो सकता है। रिस्क स्प्रेड हो जाता है, रिस्क स्प्रेड हो जाता है, मतलब रिस्क डिफ्यूज हो जाता है, फैल जाता है। अब मेरा जो रिस्क होगा वो एक जगह पे नहीं है, अब क्या हो गया, मेरा प्रोडक्शन जब बढ़ा है तो मेरा रिस्क भी क्या हो गया है, फैल गया है। बात समझ में आ रहा है? अब तुम लोग बोला है कैसे प्रोडक्शन बढ़ा करने से रिस्क कैसे फैलता है, सोच के देखो। टाटा ITC ये सारा कंपनी चिंता है, तो ये टाटा जो है ये क्या एक ही चीज बनाता है? ITC जो है वो एक ही चीज बनाता है? नहीं, दे हैव वेरियस प्रोडक्ट लाइन, उनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट लाइन है। तुम ITC का ही देख लो, वो क्या क्या बनाता है। उसका मेन बिजनेस है टोबैको का, लेकिन आज वो स्टेशनरी में भी है, होटल इंडस्ट्री में भी है, इवन FMCG में भी है। हाँ कि ना, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, मतलब जो ही तुम लोग यूज करता है, साबुन तेल चावल दाल ये सब FMCG में। हाँ, किसका? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, समझ में? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, नशा किया हुआ है। अबे साबुन तेल जो जो तुम लोग घर में यूज करता है, तो ये क्या है, ये रुका रहता है क्या? हर दिन आप लोग का नीड बदलता है, और आप हर दिन आप लोग अपना नीड को बदल देते हो, सोच के देखो। ये तो बहुत जल्दी जल्दी कंज्यूम होता है, गजब आदमी है तुम तो। अब देखो टाटा भी वैसे ही हाल में है, इवन टाटा तो आज सुई से लेके प्लेन तक बनाता है। हाँ कि ना, इससे क्या होता है, रिस्क डिफ्यूज हो जाता है। एक उसका रिस्क एक जगह पे नहीं है, सब जगह छितर जाता है। बात समझ में आ रही है सारा चीज? तुम लोग बोला सर ये तो फायदा हुआ, नुकसान बताओ, बताओ बिजनेस बड़ा होने से कुछ नुकसान होता है क्या? क्या नुकसान आता है सर? सबसे पहला नुकसान जो होता है ना, वो आता है मैनेजमेंट में। कहां पे आता है? मैनेजमेंट में। जब इंस्टीट्यूट आपका बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत कहां पे आएगा? मैनेज करने में, करेक्ट। और क्या आ सकता है सर? रिसोर्स लिमिटेड हो जाता है। क्या हो जाता है? रिसोर्स लिमिटेड हो जाता है, जैसे स्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर का कमी हो ही जाता है, करेक्ट है कि नहीं बताओ? स्किल्ड लेबर हम लोग के यहाँ पे बहुत सारा है ना? नहीं है। देखो ये बात समझ में आ गया है, रीजन वाला चीज। हाँ कि ना, अब इसी चीज को अब यहाँ पे लिखते हैं नंबर्स में। अब देखो इस चीज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, इसको अगर मैं ग्राफ में देखूं तो मेरा क्वांटिटी ये है, एक्चुअल कॉस्ट ये है, टोटल कॉस्ट ये है। इसमें क्या होता है, आपका क्वांटिटी 10 से 20 हो गया, लेकिन आपका एवरेज कॉस्ट क्या होगा पता है? 50 से कम हो जाएगा, 50 से 40 हो जाएगा। तो टोटल कॉस्ट में इंक्रीमेंट तो है, लेकिन इंक्रीमेंट जो होगा वो क्या होगा? कम रेट से। देखो यहां पर इंक्रीमेंट जो होगा वो क्या होगा? कम रेट से, समझ में आया? तो यहां पे अगर एवरेज कॉस्ट कर बनाऊ तो आपका जो एवरेज कॉस्ट कर दिखेगा ना, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। हाँ, क्यों नहीं बनाएगा? तुम लोग इसको अगर समझना चाहेगा कि मेरा सेल बढ़ने से मेरा फायदा कहाँ पे होता है, कॉस्ट कहाँ डिक्रीज हो जाता है, ये चीज तुम लोग अगर जानना चाहेगा तो मुकेश अंबानी को स्टडी करना, मुकेश अंबानी को।
कैसे? देखो जब उसने जियो लाया था फ्री पे लाया था, लेकिन उसने अपना पैसा सारा वसूल लिया, बताओ वसूला कि नहीं? सारा पैसा वसूल लिया। अब धीरे धीरे वो पैसा बढ़ाया जाएगा, अपना वसूली करता जाएगा, बस यही है भाई। बताओ कितना ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया डेटा। हम अगले साल किए थे 2300 2400 रुपया में रिचार्ज कर रहे हैं अगले साल, पूरा साल का किच किच खत्म। ये तो महीना महीना करते तो और ज्यादा पड़ जाए। कितना तो 699 चलता है ना, 555 चलता है। सर 555 तो पैक अभी कितना हो गया अभी? अभी 700। अबे वो 700 का हो गया है, हम एक साल से रिचार्ज नहीं। पहले 1 GB वाला ना, 1 GB वाला। हाँ 650 700 पर किसी का। जियो जियो सर पहले था 3 महीने 3 महीने का 555, वही कम बढ़ा, उसके बाद उसको बढ़ाया क्या? तो जियो का 555 555 रुपया था 3 महीना का। तो हम सोचे 84 दिन का होता है, तो मैं उसको ठीक से हिसाब करेगा, देख कितना पड़ता है। 365 दिन अपना हिसाब का आता है, तो 365 / 84 करीब करीब 4.34 × कर देंगे 555, आपका खर्चा 2411 रुपया आ रहा। तो आपने वो सब कूपन ऊपन मान मुड़ के 2100 ना 2200 में अपना काम करा लिया, हो गया था भाई। हम मार देंगे 666 का 1.5 GB, मतलब समझ में आ रहा है? मतलब 3 महीने तो 4 बार अगर मारना पड़ेगा साल का, × 4 करो 2624 रुपये। भाई वही तो, तो 2664 रुपये, 2650 रुपये ले ले। 1 GB का नहीं भाई, हम 1.5 GB नहीं कराएंगे, अब सोच रहे हैं 1 ही GB का कराएंगे। 1 GB का कुछ प्लान ही नहीं रखा है, इतना बदमाश है। तो है एक वही मारेंगे छोड़ दे, 500 रुपया। अबे हार्ट अटैक आ जाएगा भाई, रुक जा सवाल कर देते हैं। अब आ जाए यहाँ पे और एक तो कर लेते हैं आप। डेजी का प्लान ही नहीं है क्या? ये देखो अब है डीआरएस। डीआरएस का मतलब क्या होता है? डिक्रीजिंग रेट हो गया डिस्टेंस। ये रेट में चला गया, डिक्रीजिंग रेट टू की। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, और नहीं समझ में आएगा तो यहां लिख देना 50 से ये 40 पे आ गया। ये ग्राफ पहले बना रहे थे टीडीआरएस पे, ग्राफ पे ग्राफ है बीआरएस का, बीआरएस का आईआरएस का या आईआरएस का। जब आप 10 यूनिट बनाते थे तो आपका खर्चा 50 रुपये पड़ता था, जो ही आपने 20 यूनिट किया आपका खर्चा क्या हो गया? रिड्यूस। ठीक है चले आगे, लेट्स गो चेन्नई एक्सप्रेस। अपने लोग का जिंदगी बहुत बहुत लोकल में कट जाता है। अब देखो यहां से क्या होता है, इसमें इसमें डेफिनेशन क्या दिखता है? इसका डेफिनेशन साधारण है, ये बोलता है परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल इनपुट इज ग्रेटर देन परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट। मतलब क्या बोल रहा है? आपका इनपुट में ज्यादा चेंज आता है और आउटपुट में क्या आता है? कम चेंज आता है। तो इसमें क्या होता है देख लो, ये वाला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखते हैं पर एग्जाम्पल है, हाँ एग्जाम्पल ही है। इसका नाम है इनपुट, इसका नाम है आउटपुट। अब इनपुट में अगर लेबर देखोगे कितना है, 5 था, ये कितना था? 3 था। यहाँ कितना बनता था? 50 यूनिट्स। अब मैंने क्या कर दिया है, लेबर को 10 कर दिया है, कैपिटल को 6 कर दिया है। तो मेरा जो इंक्रीमेंट आएगा वो कितना आ रहा पता है? वो जो मेरा इंक्रीमेंट आ रहा है
वो इंक्रीमेंट हो गया है 80 यूनिट्स, इतना 80 यूनिट्स। तब यहाँ पे तुम अगर ध्यान से देखेगा तो क्या दिखता है कि सर यहाँ पे जो आपका इंक्रीमेंट आया है परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट इज 100% का इंक्रीमेंट यहाँ किए हैं, लेकिन परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट ये कितना है 60% है। अब ये तुम बोलोगे इसका एग्जांपल बताओ सर, इसका इंडस्ट्री जो होता है ना, ये जो है ये आपको एक ही इंडस्ट्री में दिखेगा, एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री में, एक्सट्रैक्शन एक्सप्लोरेशन ये इंडस्ट्री पता है, एक्सप्लोरेशन एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री माइनिंग इंडस्ट्री, सीधा सीधी बात इस जगह पे ये दिखता है। तो सर यहाँ पे आपको कर्व बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका कर्व कैसा दिखता है ये देखो, ये देखो। अब यहाँ पे अगर मैं ये बनाऊ तो यहाँ पे आउटपुट एसी टीसी, तो जब आपका आउटपुट 40 से 50 हो गया, नहीं 10 से 20 हो गया, 20 से 30 होगा, 30 से 40 होना चाहिए, ये लो। जब आपका आउटपुट 30 था तो आपका खर्चा आ रहा था 50 रुपये, ठीक है, तो कितना होगा 1500। लेकिन जो ही अपने आउटपुट को 40 कर दिया तो आपका खर्चा क्या हो गया पता है, 60 हो गया भाई, बढ़िया। आपका खर्चा क्या हो गया है 24। तब यहाँ पे अगर तुम इसको कर्व में देखने जाएगा तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, तो मतलब यहाँ पे अगर एसी ना पे ये आपका हो गया 40, 50 होगा 60, ये देखो। जैसे ही आपने अपना प्रोडक्शन को 30 से 40 पे मूव कराया, प्राइस कहाँ से कहाँ चला गया, ये देखो, समझ में आ रहा है ये बात। अब एक तो और आएगा, लिख लिया, चलिए अब लास्ट एक बार छोटा करेंगे। अब लिखो CRS, इंडिफरेंस कर्व किसका किसका हो गया, टेस्ट देना दीजिए, एक साल का गैप हम नहीं दे सकते। हो गया, लिख लिया, चला गया। अब लिखते हैं CRS, लिख CRS, लिख CRS कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल, ठीक है, कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल। इसमें क्या होता है, परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल इनपुट इज इक्वल्स टू परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट। मतलब क्या है, एग्जांपल में ये रहा इनपुट, ये रहा आउटपुट, लेबर जब आपका 5 है, कैपिटल आपका 3 है,
आउटपुट 50 है, जब लेबर आपने कर दिया 10, कैपिटल कर दिया 6, आपका आउटपुट हो गया 100। तो यहां पे लिखो परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट इक्वल्स टू 100%। नाउ परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट इज इक्वल्स टू 100%। देख लो लिख लिया, इफ डन देन कर। अरे पहले कर क्यों बनाए, रुक जाओ एक मिनट, इसमें पहले टेबल बनाना पड़ेगा। आउटपुट डीसी डीसी, जब 20 था मेरा वो कितना आ रहा था 40, तो 800 रुपया। जब ये 30 हुआ तो भी 40 रुपया, इसका दाम 1200 हो जाएगा। ठीक है, अब यही चीज को यहाँ पे कर्व में दिखाना पड़ेगा। देखो ये कर्व में कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके का दिखेगा मेरे हिसाब से। जब आउटपुट आपका ये भी है तो भी सेम ही है ना, 20, 30, 40। इधर क्या मेजर करते हैं, एसी, इधर आउटपुट, इधर एक्स जीरो, इधर वाई, इसका नाम एसी का। ठीक तो हो गया। अब देखो इसी का एक कॉम्बिनेशन डायग्राम बना लेता हूँ, एक मिनट रुक जा। रिटर्न टू स्केल, देखो रिटर्न टू स्केल का अगर तुमने डायग्राम देखेगा, यू कैन सी द डायग्राम इज कुछ इस तरीके का डायग्राम तुम्हें दिखेगा। ये देखो ये आपका कॉस्ट कर्व है, ये देखो ये तुम्हारा तीनों को मिला के कर है। देखो शुरुआत में तुम्हारा कॉस्ट क्या हुआ, गिरा, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर वो राइज करना शुरू। सीआरएस देख, सीआरएस जिसका इसका नहीं हुआ एक बार लिख ले, फिर वो बनाना। एक बार बना ले, फिर टाइम देता हूँ, एक बार बना ले, ये वाला बना ले। हो गया, खत्म हो गया। अब नहीं, अभी भी दो टॉपिक बाकी है, विच इज सिंपल वाला टॉपिक सिंपल है, तुम लोग इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा सिंपल है, तुम लोग एक बार इंडिफरेंस कर और बजट लाइन पढ़ के आना, बिकॉज इसके बाद का जो टॉपिक है वो सिमिलर है, एकदम कॉन्सेप्ट सेम से, इसीलिए वो फास्ट कराएंगे।